हे एवरीबॉडी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज कि उससे 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका ये पहला लेक्चर होने वाला है आपका इकोलॉजी। इस इकोलॉजी से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इट इज माई प्रॉमिस टू यू कि अगर आप मेरे से 1 घंटा, जस्ट 1 आवर, 1 to 1.5 आवर इफ यू जस्ट गिव मी इन दिस लेक्चर, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वन शॉर्ट लेक्चर, आई अश्योर यू कि आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और 2 से 3 सवाल तो आपके इससे कम से कम निकलेंगे, राइट। बट व्हाट आई डिमांड फ्रॉम यू कि आप इसको कॉन्टिन्यूअसली लास्ट तक देखेंगे, कहीं मिस नहीं करेंगे। ये नोट्स के फॉर्मेट में मैंने दिया हुआ है, तो नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। यू जस्ट टेक द PDF, अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे मैं अपने, ठीक है, वहां से उसको निकाल के यू जस्ट रिवाइज इट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 times। तो पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी आपसे कि 1 घंटा आप कम से कम मुझे दो इस लेक्चर को देखने में। उसके बाद ये जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप, उसको आप एटलीस्ट 4 to 5 times एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे। तो इकोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे गलत नहीं होगा, और अगर गलत हुआ तो सबसे गलत होगा, ठीक है। तो दिस इज वॉट इज द सीन, राइट। अब नाउ सी व्हाट वी कैन डू कि हम लोग क्या करेंगे कि जिस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, वी विल ट्राई टू बी एज डिस्क्रीट, एज कंसाइज, एज फिल्टर एज वी कैन, ठीक है। हम लोग फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं लगाएंगे, जो एग्जाम के MCQ परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन चीजों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो हेलो एवरीबॉडी, सो आई वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर UPSC, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिसमेंटल एंड डिकोड इकोलॉजी फॉर UPSC प्रीलिम्स 2024। Alright, so this is a way in which no coaching will ever teach you, because वो उनका काम है आपकी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना, but my work is to undo their work and to simplify what they are doing, right? So okay, without wasting any time, let's get started. सबसे पहले मैं कंटेंट बताता हूँ, कंटेंट क्या क्या होगा। इकोसिस्टम पढ़ेंगे, क्या होता है इकोसिस्टम, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बायोटिक है बायोटिक, ठीक है। उसे कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे, बायोटिक है बायोटिक क्या होता है, ठीक है। इकोटोन पढ़ेंगे, दो इकोसिस्टम के बीच के का जो स्पेस होता है उसको इकोटोन कहते हैं। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, हैबिटेट क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है। फिर कुछ मिसेलियंस टर्म्स के बारे में बात करेंगे, लाइक कैरिंग कैपेसिटी, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आएंगे, जिसमें बात करेंगे इकोसिस्टम फंक्शन क्या क्या प्ले करता है। द फर्स्ट फंक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई विल से इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे लंबा टॉपिक होगा बट सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, ठीक है। सेकंड इज योर एनर्जी का फ्लो, थर्ड इज योर न्यूट्रिएंट का फ्लो, की मतलब कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो कराना, ये इकोसिस्टम का आपका ये फंक्शन है, ये इसका जॉब है, इसकी ड्यूटी है, ठीक है। दूसरा है कि न्यूट्रिएंट का फ्लो कराना, मतलब कि प्लांट में जो न्यूट्रिएंट हमने दिया, प्लांट से फिर वो प्लांट अगर इसमें चल, प्लांट को अगर एनिमल ने खाया, किसी एनिमल ने खाया लेट से, ठीक है, ओके। सो उस एनिमल में प्लांट का प्रोटीन गया, उस एनिमल को मान लिया हमने खाया तो हम तक प्रोटीन गया, तो बेसिकली क्या, और न्यूट्रिएंट का ये फ्लो हो रहा है, राइट। सो ओके, अब एनर्जी फ्लो को डिटेल में बात करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो में क्या पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में विल टॉक, ओके। फिर न्यूट्रिएंट फ्लो के बारे में बात करेंगे, तो ये फ्लो एक साइकिल के फॉर्म में होता है, ठीक है, कि जैसे जाता है वैसे वापस आ जाता है, ठीक है। विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन डिटेल, ठीक है, अभी देख रहे हैं ऊपर से। अभी न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है ना, ये गैसियस मीडियम में हो सकता है, सेडिमेंटरी मतलब कि सॉलिड मीडियम में भी हो सकता है। गैसियस में कार्बन पढ़ लेंगे, नाइट्रोजन पढ़ लेंगे, और सेडिमेंटरी में फॉस्फोरस और सल्फर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया आपको, अब हम लोग एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। बहुत मजा आएगा, जस्ट स्टे विथ मी, ऑलराइट, कहीं कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इज बेसिकली एन इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है भाई। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज योर रूम, आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में आपके यहाँ पे पंखा भी होगा, राइट, रूम में पंखा होगा, राइट। पंखे के अलावा आप बैठे होगे, लेट्स से आपके पास एक कैट है, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि अब कैट को आपने खाना खिलाया, लेट से, ठीक है, पंखा भी, पंखे से आप लोग हवा खा रहे हो, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि पंखा जो यहाँ पे आपके रूम में है, इट इज ए एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ योर एनवायरनमेंट। अब ये जो रूम हुआ, ये आपका सराउंडिंग हुआ, दैट इज योर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को वर्ड को हम थोड़ा बहुत इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज व्हाट जो हमें सराउंड कर रहा है, ठीक है। उस सराउंडिंग के अंदर में कुछ एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, मतलब नॉन लिविंग होंगे, और कुछ बायोटिक होंगे जो कि लिविंग होंगे। तो कैट और आप जो हुए, ये आप लोग बायोटिक कंपोनेंट हो गए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू गाइस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एंड दिस इंटरेक्शन बेसिकली व्हेन द बायोटिक कंपोनेंट एंड द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, देन दिस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, दिस एंटायर इंटरेक्शन का सिस्टम इज व्हाट वी कॉल एज द इकोसिस्टम। क्लियर हुआ इकोसिस्टम क्या है, कि अगर वो आपस में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो तो इन्वायरमेंट है, बट जैसे ही आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा, वो आपके इकोसिस्टम बन जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपके, लेट्स से यहाँ पे एक पॉन्ड है,
ठीक है, मैं एक मिनट रुक जाऊँ। ऑल राइट, लेट से यहाँ पे एक पॉन्ड है, राइट, देर इज अ पॉन्ड। अब इस पॉन्ड में क्या हो रहा है कि देर इज अ फ्रॉग, ठीक है, यहाँ पे ग्रासेस भी हैं और यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ सनलाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू सी कि इस अगर मैं सिस्टम इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इस इन्वायरमेंट में, अब मुझे बताओ आप कि इसमें एबायोटिक कॉम्पोनेंट क्या है। वाटर एबायोटिक हो गया, सनलाइट एबायोटिक हो गया, जो ऑक्सीजन है वो एबायोटिक कॉम्पोनेंट हो गया। बायोटिक कॉम्पोनेंट क्या क्या हुआ है, फ्रॉग हो गया, ठीक है, ग्रासेस हो गए क्योंकि लिविंग है, ठीक है। अब व्हाट इज हैपनिंग कि फ्रॉग ने ग्रास को खाया, ठीक है, अब फ्रॉग को स्नेक ने खाया। सो दीज दीज थिंग्स आर इंटरेक्टिंग। अब ये ग्रास क्या कर रहा है, ग्रास बेसिकली ये सन से लाइट लेके ये अपना खाना बना रहा है, पानी लेके अपना खाना बना रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि दीज नॉन लिविंग आर इंटरेक्टिंग विद द लिविंग, और लिविंग दूसरे को खा रहा है, एक दूसरे इंटरेक्ट कर रहा है। सो देर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कैसे, ये इसने इसने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस से, इसको इसने खा लिया, फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग में एनर्जी गई, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक में एनर्जी गई, तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और कैसे ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर कैसे हुआ, देखो अब मान लो कि यहाँ सनलाइट में इसने खाना बनाया, इसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट को खाया इसने फ्रॉग ने, फ्रॉग में न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हुआ, अब फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक में न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हुआ, अब स्नेक को अगर ईगल खा लेगा तो ईगल में भी न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होगा, ईगल में एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। क्लियर समझ में आ रहा है। अब ये जो आपस में लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं ना फॉर दिस सर्वाइवल, फॉर देयर इंटरेक्शन, दिस इज वॉट दिस सिस्टम इज, इंटायर सिस्टम विल बी कॉल्ड एज वॉट, योर इको सिस्टम। क्लियर है, ओके। अब चलो लेट्स टॉक अबाउट की दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या है। अब क्वेश्चन है एमसीक्यू कहाँ से बनेगा हमारा, ठीक है, ये हो गया तो क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर क्या होता है इकोसिस्टम का, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ। अब ऑर्गेनिज्म मिलाकर एक स्पीशीज बनाते हैं, जैसे ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन, ह्यूमन इज एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ह्यूमन से ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे तो स्पीशी बनेगा, कहेंगे कि ह्यूमन स्पीशी है। बहुत सारे डॉग 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 मिल जाएंगे तो डॉग की स्पीशी बन जाएगी, ठीक है। अब ये स्पीशी को अगर बहुत सारे स्पीशीज एक साथ आ जाएंगी तो पॉपुलेशन हो जाएगा। अब एमसीक्यू क्या बनता है आपसे, आपसे बोलेगा कि क्या क्या मल्टीपल स्पीशीज को मिला के पॉपुलेशन बनता है? नहीं नहीं पॉपुलेशन में हमेशा एक तरह की स्पीशी। कभी ऐसा सुना है कि डॉग का, डॉग और एनिमल मिला के, डॉग ह्यूमन मिला के सेम पॉपुलेशन? अगर पॉपुलेशन सेंसस करते हैं तो क्या कुत्तों को भी गिन लेते हैं या बिल्लियों को भी गिन लेते हैं? नो, ह्यूमन का पॉपुलेशन सेंसस होता है। तो पॉपुलेशन का मतलब कि सेम स्पीशीज होनी चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ डॉग मतलब सिर्फ डॉग होना चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ कैट मतलब सिर्फ कैट होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन में एमसीक्यू याद रखना है कि स्पीशीज जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होगी। तो पहली चीज ध्यान रख ली यहाँ से हमने। उसके बाद पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन साथ में आ जाएंगे, पॉपुलेशन ऑफ डॉग, पॉपुलेशन ऑफ मैन, पॉपुलेशन ऑफ कैट, तो मिला के लोग क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे। अब बहुत सारी कम्युनिटी साथ में आएगी तो मिला के लोग इको सिस्टम बनाएंगे, बहुत सारे इको सिस्टम अगर साथ में आएंगे तो मिला के लोग क्या बनाएंगे, बायोम बनाएंगे। तो ये प्रोग्रेशन सिस्टम अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एमसीक्यू कहाँ से बनाएगा कि पॉपुलेशन जो है उसमें सेम स्पीशीज होती है, ये बस ध्यान रख लेना यहाँ से, ठीक है। अब देखो हैबिटेट और सराउंडिंग और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है कि हैबिटेट इज दैट पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, पूरा सराउंडिंग है, इसका एक छोटा सा पार्ट हैबिटेट है। हैबिटेट इज दैट पार्ट ऑफ सराउंडिंग विच सस्टेन्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया कि एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सराउंडिंग है, इसे पंखा है, कूलर है, एसी वॉशिंग में जो भी है, बट वही पार्ट मान लिया इस रूम में मैं रह रहा हूँ, तो जिस रूम में मैं रह रहा हूँ दैट इज माई हैबिटेट, क्योंकि मैं वहां पर रह रहा हूँ, माई लाइफ इज सस्टेन इन दैट पर्टिकुलर रूम, सो दैट इज द हैबिटेट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट क्या देखा हमने, कंपोनेंट क्या होगा, बायोटिक होगा, एबायोटिक होगा। एबायोटिक में क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या वाटर बोल सकता हूँ, ठीक है, एयर बोल सकता हूँ, ठीक है, सनलाइट बोल सकता हूँ, राइट, एयर मतलब कि आपका ऑक्सीजन ऑब्वियसली, ठीक है, ये बोल सकते हैं, दीज आर द थिंग्स, राइट। कैन आई से कि मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है, कैन आई से कि टेम्परेचर हो सकता है, राइट, टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द एबायोटिक कॉम्पोनेंट, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बायोटिक में क्या होगा, बायोटिक में ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर, बचपन से पढ़ा है हमने। प्रोड्यूसर मतलब जो खाना बनाते हैं इनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, खुद का खाना खुद से बना लेते हैं इसलिए ऑटोट्रॉफ कहते हैं। इन प्रोड्यूसर को जो खाएंगे इनको कंज्यूमर कहते हैं। अब एक कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ फिर हेटरोट्रॉप, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को कंज्यूम करें, कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब कंज्यूमर कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कौन होगा, जो सीधा ये ऑटोट्रॉफ वाले को खा लेगा, हर्बीवोरस मतलब ये क्या, ऑटोट्रॉफ क्या हुआ, ये प्लांट हो गया, आपका ग्रासेस हो गया, हर्बीवोर क्या करेगा, ये जाके अब इसको खाएगा। अब इस हर्बीवोर को जो खाएगा उसको सेकेंडरी बोलेंगे, कार्निवोरस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रासेस थी, ग्रास को ये डियर ने, ये डियर गया ग्रास को खा लिया। अब यहां से लेपर्ड आता है, लेपर्ड ने डियर को खा लिया, ठीक है। अब लेपर्ड मर गया, ठीक है, लेट से लेपर्ड ना देखे इसको, मान लो कि यहाँ पे एक वो आपका क्या कहते हैं, जैकल है, ठीक है। अब जैकल को मान लो कि जो टर्शरी प्रेडेटर से जो एपेक्स प्रेडेटर है, लाइक फॉर एग्जांपल लायन है आपका, टाइगर है, तो वो जैकल को हंट करेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है,
ठीक है। सो दैट इज वॉट वी आर कॉलिंग कि ये लेवल बाय लेवल आगे बढ़ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि दिस इज वॉट वी कॉल इज ट्रॉफिक लेवल। बट अभी इतना समझो कि बायोटिक कॉम्पोनेंट में प्रोड्यूसर जो खाना खुद बना रहे हैं, जैसे ग्रास हो गया, जो जो पेड़ पौधे जो भी हैं उनको कंज्यूम करें हर्बीवर्स, उनको कंज्यूम करें कार्निवर्स, उनको जो कंज्यूम करें प्रेडेटर्स, तो एपेक्स प्रेडेटर हैं ये लोग, ठीक है। अब ये एक प्रेडेटर अगर मर जाएगा, मान लिया कि शेर बाघ चीता जो भी मर गया, तो मरने के बाद इनका क्या होगा? दे विल बी डीकम्पोज्ड। कुछ ऐसे वल्चर, मान लो वल्चर खा सकता है उसको, तो डिट्रीवोरस इसको कहते हैं। डिट्रीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको मरे कुछ को खाते हैं, लाइक अर्थ वॉर्म, ठीक है, वल्चर, ठीक है। अब डिकम्पोजर्स क्या हैं? लेट से जो बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जांपल लेट से कि आपका जो भी आपका यीस्ट वगैरह है, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं इसको, जो कि इसको सड़ा गला के डिकम्पोज करके कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, उसके जो मास को कंज्यूम करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिकम्पोजर्स। दे आर डिकम्पोजर्स, इनको सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स मतलब भी कहते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा आपको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए इसका। देख लिया, अब देखो ये तुमने पढ़ ही लिया कि इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल एज, इसको क्या कहते हैं, स्पीशी आपस में इंटरेक्ट करेगी, इसको कहेंगे इकोसिस्टम। यहां तक देख लिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं। इकोटोन क्या होता है? अपन अब तक हमने देख लिया है कि दो तरह के इकोसिस्टम हो सकता है। लेट्स से इकोसिस्टम वन है, ये इकोसिस्टम टू है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये इकोसिस्टम वन और टू क्या करता है, आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका ये वाला जोन जहां पर ये दोनों दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इकोटोन, इसको इकोटोन कहते हैं। इकोटोन मतलब क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स वेयर मेंबर्स ऑफ बोथ इकोसिस्टम एग्जिस्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊं, कोरल होता है, मैंग्रोव होता है, एस्चुरीज होता है, डेल्टा होता है। मतलब देखो ग्रासलैंड, वर्ड ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रासलैंड इज एन, जैसे मान लो कि फॉरेस्ट है, ठीक है, और डेजर्ट है। तो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट हुआ एक इकोसिस्टम, आपका डेजर्ट हुआ, तो इससे इसको E1 बोलते हैं, इसको E2 बोलते हैं। इसके बीच का जो इंट्रैक्शन वाला एरिया है, दिस इज वॉट वी कॉल एज इकोटोन। अब ये कुछ इसमें कुछ फीचर इसमें फॉरेस्ट के भी होंगे, कुछ फीचर इसमें डेजर्ट का भी होगा। तो आपने को नहीं लगता जो ग्रास लैंड होता है, लाइक सवाना ग्रास लैंड हो गया, ठीक है, बन्नी ग्रास लैंड हो गया, उसमें डेजर्ट का भी फीचर होता है, मतलब मॉइस्चर भी कम होता है और कुछ पेड़ पौधे होते भी हैं उसमें, ऐसा नहीं डेजर्ट की तरह पूरा का पूरा सूखा है। तो इसलिए दैट इट एग्जिबिट्स फीचर्स ऑफ बोथ दीज इको सिस्टम्स एंड इट्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन दीज टू सिस्टम्स। इधर आओगे तो फॉरेस्ट आ जाएगा, इधर आओगे तो आपका डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया, ट्रांजिशन जोन होता है, क्लियर है, ओके। इट हैज कंडीशंस इन्वायरमेंट ऑफ बोथ द इकोसिस्टम, जैसे बताया मैंने कि फॉरेस्ट का फीचर होगा, डेस्ट का फीचर होगा, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पीशी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो भी नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे इसमें, ठीक है, इंक्रीज इन द इकोटोन, इसको एज इफेक्ट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे भैया, ध्यान समझो, समझ रही बात। देखो क्या होता है कि इस एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो तो फॉरेस्ट वाले ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे आ सकते हैं, डेजर्ट वाले भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी, अब आप बोलोगे यार फॉरेस्ट तो इतना बड़ा है, डेजर्ट इतना बड़ा है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इससे ज्यादा कैसे हो सकता है? नो नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कितने नंबर में है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी होता क्या है, मतलब कि किसी गिवन एरिया में, किसी गिवन एरिया में कितना स्पीशीज है। तो ये छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा स्पीशी हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। एंड इसमें इतना ज्यादा स्पीशी देखा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एज इफेक्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछता है कि एज इफेक्ट क्या है, तो इट इज रिलेटेड टू द इकोटोन, कि इकोटोन दो, इकोटोन में जो नंबर ऑफ स्पीशी होता है वो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसको एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। देख लिया वही चीज, इकोसिस्टम वन टू है, ये उसका इकोटोन हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ध्यान रखना कि पूछेगा एग्जाम में कि इकोटोन से अगर हम लेफ्ट बढ़े या राइट बढ़े, ठीक है, तो यहां पॉपुलेशन बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपको एग्जाम में आएगा, अरे कोई भी तो छोटा सा एरिया है, इधर जाएंगे तो बढ़ना चाहिए, नो, घटेगा, क्योंकि यहां पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। डेंसिटी बोल रहा है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया, कि इस एरिया में डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। अब यहां जाओ कि बायोडाइवर्सिटी यहां बहुत हाई होता है, इसलिए फ्रिक्शन फॉर फूड, यहां पे भाई छोटा सा एरिया है, बहुत ज्यादा एनिमल रहते हैं, तो कंपटीशन होगा, दैट इज क्या कहते हैं, जोन ऑफ टेंशन, क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ टेंशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा यहां पे टेंशन लगी रहेगी, देयर इज ऑलवेज अ फाइट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, कोरल, मैंग्रोव्स, हेस्चुरीज, डेल्टा, ग्रासलैंड। अब एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आप, ग्रासलैंड इज एन इकोटोन बिटवीन विच टू इकोसिस्टम्स, बिटवीन योर डेजर्ट एंड बिटवीन योर फॉरेस्ट। तो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का ग्रासलैंड हो गया आपका, ठीक है, सो इट इज बिटवीन योर, एक सेकंड मैं लिखता हूं यहां पे, व्हाट इज हैपनिंग, या सो ये आपका हो जाएगा डेजर्ट, क्या हो रहा है यार, या डेजर्ट हो गया एंड इट इज योर फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा
एस्चुरीज डेल्टास क्या होता है? ये होता है आपका सी और रिवर, सी और रिवर के बीच का जो होता है उसको एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होता है? जहां पे रिवर जो होती है वो सी से मिलती है। ठीक है, हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैंग्रोव क्या होगा? ये आपका होगा फॉरेस्ट और रिवर। ठीक है, क्लियर है? ये दो इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होगा मैंग्रोव बोलेंगे। क्लियर है? कोरल अगेन आपका सी, तो सी के सी और मतलब आपके क्या कहते हैं एटोल के बीच का एरिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहां से हमने क्लियर क्या करा कि एक दो इकोसिस्टम के बीच के स्पेस को इकोटोन कहते हैं, रिविजन करते हैं। ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि दोनों का पॉपुलेशन वहां मिल रहा है। उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि पर एरिया, इस एरिया में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। ये जोन ऑफ टेंशन होगा बिकॉज यहाँ पे छोटे से एरिया में ज्यादा फाइट है। ठीक है, अब देखो एमसीक्यू क्या बन सकता है आपसे एग्जाम में। एग्जाम बोलेगा कि इकोटोन इज ऑलवेज नैरो, नो इट कैन बी वाइड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड वाइड नहीं है, बिल्कुल वाइड है। तो इट कैन बी वाइड, इट कैन बी नैरो ऑल्सो, बोथ हो सकता है। कैन हैव सम स्पीशीज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडजॉइनिंग इकोसिस्टम। अब आपसे एग्जाम में आपको लगा, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? या तो फॉरेस्ट का स्पीशी दिखेगा या उसमें आपको डेजर्ट का स्पीशी दिखेगा अगर वो ग्रासलैंड है। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि इट सिंग कैन हैव, उससे म्यूटेशन हो जाए, उससे स्पीशी कहीं से पैदा हो जाए। ठीक है, तो कैन हैव, एनीथिंग कैन हैपन, पॉसिबिलिटी तो हमेशा सही होती है। ठीक है, अब अगले टॉपिक बढ़ते हैं, जो कहते हैं नीश, हैबिटेट एंड एनवायरमेंट। देखो हैबिटेट इज योर होम, घर। ठीक है, नीश इज योर जॉब। तो दो इंसान एक घर में रह सकता है, ठीक है, पर दो इंसान के एक जॉब कर सकता है, एक तरह की जॉब नहीं कह रहा मैं, एक ही पोजीशन अवेलेबल है, एक ही पोजीशन अवेलेबल है। इधर घर में यू हैव वन मदर और वन फादर, यू कैन नॉट हैव टू मदर। वो एक्सेप्शन वाला केस मैं नहीं कह रहा, बट इन जनरल व्हाट इज हैपनिंग कि उनकी जॉब जो होती है, जो स्पेशल पोजीशन होती है इकोसिस्टम में, वो एक ही होती है, यूनिक होती है। दैट इज व्हाट इज नीश। तो नीश क्या होता है? यूनिक फंक्शनल रोल दैट स्पीशी परफॉर्म एज पर इट्स पोजिशन इन द इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वल्चर एंड क्रो जो होते हैं ना, ये दोनों स्केवेंजर, दोनों मरा मरा हुआ खाते हैं। ठीक है, बट देयर पोजिशन आर डिफरेंट, दैट्स वाई देयर इकोलॉजिकल नीश डज नॉट क्लैश। दोनों का नीच सेम है बट क्लैश नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों अलग जगह पर रहते हैं। वल्चर खाली जगह पर रहता है और क्रो जो होता है वो पेड़ पौधे पर रहता है, पेड़ पे रहता है। ठीक है, तो दोनों एक जगह पे नहीं, एक जगह पे होंगे तो सर्वाइवल हमेशा मुश्किल होगा, कोई एक मर जाएगा तभी जाके कॉम्पिटिशन होगा, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, अब देखो यहां से हैबिटेट, हैबिटेट हो गया घर, ये हो गया नीच, हो गया आपका जॉब। अब वेयर स्पीशी लिव्स उसको कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या होता है? मैंने बताया था पहले आपको, इन्वायरमेंट में और मे नॉट हैव लाइफ, बट हैबिटेट वॉट? हैबिटेट इज दैट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट विच हैज लाइफ। ठीक है, क्लियर है? वही मैंने मुझे एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू क्या बनेगा। आपसे पूछेंगे कि नो टू स्पीशीज कैन हैव द सेम इकोलॉजिकल नीश। बोल देगा कि टू स्पीशीज कैन हैव इकोलॉजिकल नीश, सुन नो नो टू स्पीशीज। बताया ना कि दो मम्मी और दो फादर्स के नॉट हैव, के नॉट स्टे इन द सेम हाउस। ठीक है, सेम हैबिटेट में सेम नीश का दो स्पीशीज नहीं हो सकता। ठीक है, एस देर विल बी कॉम्पिटिशन टिल वन स्पीशी इज आइदर एलिमिनेटेड और डिस्प्लेस्ड। ठीक है, या तो द अदर मदर और अदर मॉम विल बी डिस्प्लेस्ड और दे विल किल इच अदर, राइट? ओके, टाइगर लाइन को कभी आप एक जगह पे नहीं देखोगे, पिजन स्पैरो को कभी एक जगह पे नहीं देखोगे आप, क्योंकि दोनों का नीच सेम है, सो दे विल चेंज देयर हैबिट, अलग जगह पर रहेंगे। एक हैबिटेट में सेम नीच कभी भी नहीं होगा। देखो इसमें स्टेटमेंट देख लो, हैबिटेट मे और मे नॉट सस्टेन लाइफ, गलत स्टेटमेंट है। बताया मैंने कि हैबिटेट में हमेशा मस्ट हैव लाइफ, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल इन्वायरमेंट कैन रिलेट टू हैबिटेट। देखो ऐसा सारा इन्वायरमेंट हैबिटेट थोड़ी ना होगा, इन्वायरमेंट का कुछ हिस्सा जो होगा ये हैबिटेट मान लिया है, तो ये हिस्सा जहां पे लाइफ नहीं है वो तो हैबिटेट नहीं होगा। रॉन्ग स्टेटमेंट। नीच कैन सस्टेन टू स्पीशी ऑफ द सेम फंक्शन, नो नीच कैन नॉट सस्टेन टू स्पीशी ऑफ द सेम फंक्शन। ठीक है, कॉम्पिटिशन एंड सर्वाइवल मेक्स द वीकर स्पीशी एक्सटिंक्ट और डिस्प्ले। ये तो है आपका डार्विन की थ्योरी, तो है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो अपन ने देख लिया नीच, देख लिया हैबिटेट, देख लिया इन्वायरमेंट, देख लिया इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जिसमें लाइफ है उसको हैबिटेट बोलेंगे, एंड हैबिटेट इज लाइक योर होम। ठीक है, एंड नीच इज लाइक योर जॉब। तो दो लोग का सेम पोजिशन के लिए दो लोग नहीं रह सकते, तो नो टू स्पीशी कैन हैव द सेम इकोलॉजिकल नीच। ठीक है, नो टू स्पीशी कैन हैव द सेम इकोलॉजिकल नीच, नो टू स्पीशी कैन हैव द सेम इकोलॉजिकल नीच। याद हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने देख लिया इकोटोन क्या है, दो इकोसिस्टम के बीच का स्पेस है। ठीक है, देख लिया यहां तक। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट देख लिया हमने, बायोटिक में सनलाइट है, वाटर है, एयर है, मॉइस्चर, टेम्परेचर देख लिया। दोनों के इंटरेक्शन को अपन इकोसिस्टम कहते हैं।
बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक जो कंपोनेंट हुआ, प्रोड्यूसर है जो बना रहा है खाना, उसको खा रहा है कंज्यूमर है, कंज्यूमर तीन तरह का है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी हर्बीवोरस है, इसको खाएगा कार्निवोरस, उसको खाएगा प्रेडेटर, प्रेडेटर मर जाएगा, उसको डिकम्पोज करेगा। डेट्रीवोरस जैसे कि लाइक वल्चर एंड क्रो एंड डिकम्पोजर जो कि उसको सड़ा गला के खा लेगा। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर, कुछ डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस टर्म्स में इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया है कि नंबर ऑफ स्पीशीज इन द गिवन एरिया। अब हमने देखा था कि जो इकोटोन है, इस इकोटोन की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हाई होगी कि लो होगी, मुझे बता दो आप। इलेट बी हाई, वाई? बिकॉज उस छोटे से एरिया में उसमें ज्यादा ज्यादा स्पीशी रहती है, तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हाई होगी। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट ओवर हियर कि एग्जाम्पल में कि मैं इकोटोन हैज हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, आई कैन राइट। ऑल राइट, अब देखो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, समझो, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। हाउ मच ऑफ नेचर इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन टू सस्टेन हिज एक्टिविटीज, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसकी सोशल एक्टिविटीज, मतलब इंसान जो रहता है उसको इन्वायरमेंट का क्या क्या हिस्सा चाहिए, उसको कितनी जमीन चाहिए, उसको कितना पानी चाहिए, उसको कितना एयर चाहिए, उसको कितना कितना उसको हर्बीवर्स एनिमल चाहिए, उसको कितना मीट चाहिए, एवरीथिंग विच रिक्वायर्ड्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट कितना चाहिए उसको, दैट इज वॉट इज योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, राइट। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक ऑल्टरनेटिव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको वी कॉल एज कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन एरिया इज अ मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी कैन इट सपोर्ट। बेसिकली इसका और डिफिनेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ टू जनरेट द, इसको मत समझो, ये सब बेकार डेफिनेशन है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि यहां तो आप कह रहे थे कि आप इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से कितना आप चाह सकते हो, ठीक है, आपको कितना रिक्वायर्ड है, और ये है मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी, कि इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी कितनी है। अब अगर आपका, सॉरी इसको ये उल्टा है, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब कि ये क्या था आपका, डिमांड था, और ये आपका क्या था, सप्लाई, मतलब सप्लाई कौन कर रहा है आपको, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट कर रहा है, इकोसिस्टम कर रहा है। तो इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड कितना कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज योर सप्लाई, इतना इकोसिस्टम दे सकता है आपको, इतना इकोसिस्टम आपको दे सकता है। आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपने ज्यादा कर लिया, ज्यादा कार्बन इमिशन कर लिया, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया आपने, तो आपकी डिमांड इज ग्रेटर देन द इकोलॉजिकल सप्लाई, तो क्या होगा, यहाँ पे ओवरशूट हो जाएगा, ठीक है। और इसको मनाने के लिए हम अर्थ ओवरशूट डे भी मनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। कैरिंग कैपेसिटी देख लिया क्या होता है, ये आपके यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ रखा है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी देख लिया हमने, क्या है कि इकोसिस्टम कितना प्रोवाइड कर सकता है, फुटप्रिंट क्या है कि हमको कितना चाहिए, तो ये बेसिकली आपका डिमांड है एंड दिस इज योर सप्लाई। अब ये डिमांड आपका जो है सप्लाई से ये ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं ओवरशूट, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो क्या होता है, ये एबायोटिक फैक्टर, वैसा एबायोटिक फैक्टर विच हिंडर्स या ऑब्स्ट्रक्ट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम होल्ड पे डालते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर मैं वापस इस पर आऊंगा, ठीक है। तो अब यहां से आप एक चीज समझो कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है, पहला इकोलॉजिकल सक्सेशन है, दूसरा एनर्जी का फ्लो है, तीसरा न्यूट्रन का फ्लो है। क्या मतलब है समझो, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब कि ये समझ लिया ग्रास है, ग्रास से ये यहाँ पे कुछ पेड़ प्लांट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, श्रब में, श्रब से ये पेड़ बन गया। तो जब ये श्रब बना होगा, तो जैसे श्रब बना होगा उससे जैसे घास कम होने लगा होगा, जैसे पेड़ आना शुरू हुए तो पेड़ ने एरिया को कॉलोनाइज किया और यहाँ से श्रब कम हो गए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, दिस इज इकोलॉजी, इकोसिस्टम इज सक्सीडिंग, तो यहाँ पे सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, वन स्पीशी टू अनदर, ये एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में सक्सेशन हो रहा है, एंड दिस सक्सेशन इज व्हाट वी कॉल द इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे आगे। एनर्जी का फ्लो बताया मैंने कि आपको प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया आपके लायन ने, लायन मर गया तो उसको खा लिया आपके वल्चर ने, ठीक है। तो नहीं थी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इसमें जो एनर्जी थी इसमें ट्रांसफर हुई, इसकी एनर्जी इसमें गई, इसमें गई, ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिएंट था इसमें गया, इसमें न्यूट्रिएंट था इसमें गया, इसका इसमें गया, न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो कहने से किसका फ्लो हो रहा है, ये फ्लो ही तो हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एनर्जी का फ्लो, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज न्यूट्रॉन का फ्लो, ठीक है, क्लियर है यहां तक। एंड दीज थ्री आर द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, कि ये सक्सेशन करना, एनर्जी का फ्लो कराना और न्यूट्रॉन का फ्लो कराना, इसको इकोसिस्टम का फंक्शन बोलते हैं, क्लियर है, ओके। इकोलॉजिकल सक्सेशन सबसे टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा हमारा है, ठीक है, इसके बारे में भाई साहब बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशी टू अनदर, बताया मैंने कि आपके आपके ग्रास से आपका श्रब होगा, श्रब से आपका ट्री हो जाएगा, ठीक है, सक्सेशन हो रहा है, इससे ये रिप्लेस हुआ, इससे ये रिप्लेस हुआ, क्लियर है। अब रिप्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब ग्रास जो था इसकी
ये उतने स्ट्रांग नहीं था, तो इसको इसको रिप्लेस कर दिया आपके शरब ने। अब शरब से स्ट्रांग बंदा आया ट्री, ट्री ने रिप्लेस कर दिया आपके शरब को। तो ये सबसे सर्वाइव फिटेस्ट है, वो सर्वाइव करेगा डार्विन की थ्योरी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थ्योरी, कि नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन है स्ट्रांग है और कौन वीक है। ठीक है, अब देखो सक्सेशन हमेशा स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगा। तो एक तो आपका क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि इट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, इट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। मतलब क्या होता है इसका, ध्यान समझो। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि ग्रास से, ग्रास है आपका, ग्रास से आपका श्रब हुआ, श्रब से आपका ट्री बन गया, तो ये हमेशा ऐसा होगा कि ये इस ऑर्डर में होगा कि छोटे से बड़ा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्री वापस आके ट्री को श्रब ने रिप्लेस कर दिया, फिर श्रब को से घास बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इट विल ऑलवेज हैपन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो यूनि डायरेक्शनल हो गया, सिंगल डायरेक्शन हो गया। पायोनियर स्पीशीज से क्लाइमेक्स स्पीशी बनेगी। पायोनियर का मतलब जो सबसे सबसे प्रिमेटिव स्पीशी है, लाइक योर ग्रास, सबसे पहली स्पीशी। सबसे क्लाइमेक्स स्पीशी कौन है, जो सबसे ज्यादा लास्ट में बची, ट्री, यहाँ पे क्लाइमेक्स स्पीशी हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ट्री हो गया क्लाइमेक्स स्पीशी और ग्रास हो गया आपका पायोनियर स्पीशी। ठीक है, ये हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का बताया मैंने कि हमेशा आगे की तरफ प्रोग्रेसर होगा, पीछे कभी नहीं देख पाएगा, नेचर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। सिंपल स्पीशी से कॉम्प्लेक्स स्पीशी बनेगी। जैसे मान लिया कि ग्रास है, ग्रास इज मच मच सिंपलर देन योर ट्री। ट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, इसमें बार्क होता है, इसमें 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 लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होता है इसका, बट ग्रास इज वेरी सिंपलर। तो ये हमेशा क्या होगा, दिस इज अ सिंपल स्पीशी बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्पीशी। अब ये हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी भी कॉम्प्लेक्स स्पीशी है, तो ये क्लाइमेक्स स्पीशी क्या होगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। क्लाइमेक्स मतलब जो लास्ट में बना हुआ होता है मूवी का क्लाइमेक्स, तो ये हमेशा लास्ट में आता है। तो ये लास्ट में जो क्लाइमेक्स बनेगा, जो सबसे फाइनल स्पीशी होगी, दिस इज योर, व्हाट इज योर फाइनल स्पीशी एंड दिस इज योर इनिशियल स्पीशी। ठीक है, इसको मैं नंबर वन बोल दूं एंड दिस इज अ फाइनल, इसको मैं इनिशियल बोल देता हूं। ठीक है, देख लिया था। तो क्या सीखा हमने, इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब क्या होता है, कि कोई भी इकोसिस्टम में और जो स्पीशीज होती है वो आगे प्रोग्रेस करती है, एक स्पीशीज दूसरे को रिप्लेस करेगी। किस स्पीशीज पे करेगी भैया, डार्विन ने कहा जो फिट होगा वो छोटे वाले को रिप्लेस कर देगा, सिंपल सी बात है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा कि छोटे से बड़ा होगा, बड़े छोटा कभी नहीं होगा। पायोनियर से क्लाइमेक्स में बनेगा, पायोनियर वो जो पहले था, क्लाइमेक्स मतलब फाइनल वाला, मूवी से रिलेट कर सकते हैं इसको। प्रोग्रेसिव नेचर का होगा कि हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स सिंपल कभी नहीं बनेगा। ट्री कैन नेवर बी रिप्लेस बाय अ ग्रास। ठीक है, ये नेचर का रूल है। अब देखो पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में एक स्पीशी बनती है, उसको कहते हैं सरल स्पीशी। सरल का मतलब क्या होता है, ये मिडिल स्पीशी है। तो जो मैंने आपको कहा था इंटरमीडिएट स्पीशी है, कि जो आपका यहाँ पे श्रब जो बना था ना, ये श्रब जो है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं नाम बनाऊँ आपको कि यहाँ पे ग्रास है और यहाँ पे श्रब है और फिर यहाँ पे आपका ट्री है। ठीक है, तो ये जो श्रब बना ना, ये आपका सरल स्पीशी हुआ और ये आपका ऑब्वियसली ये क्लाइमेक्स स्पीशी है एंड ये आपकी पायोनियर स्पीशी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे इस बात को। अब देखो यहाँ पे, ये दिस आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज। मान लिया कि एक बेयर एरिया है, सबसे पहले क्या होगा, बेयर रॉक्स पे मान लिया कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, बेयर रॉक हुआ, सबसे पहले क्या होगा, मान लो फंगस हो सकता है वहां पे, बैक्टीरिया हो सकता है, वीड हो सकते हैं, मॉस हो सकता है, लाइकिन हो सकता है, रोडेंड्रोन हो सकता है, टुंड्रा है इसमें। इसका ये मतलब कि जो टुंड्रा में जो मॉसेस होते हैं ना, जो उनको कहते हैं फंगस टाइप का स्पीशी होता है रोडेंड्रोन। ठीक है, तो ये सब सबसे पहले होंगे, सबसे पहले इनका ग्रोथ होगा, इसके बाद किसी का ग्रोथ होगा। अब इनका ग्रोथ क्यों होगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिंपल स्पीशी, दे आर फर्स्ट टू कॉलोनाइज। वाई दे आर एबल टू कॉलोनाइज, बिकॉज इनकी बहुत सिंपल स्पीशी होते हैं। सिंपल स्पीशी मतलब कि बहुत में ज्यादा फंक्शन नहीं इनके लाइफ सस्टेन करने के लिए, इसीलिए आराम से हो जाते हैं। ठीक है, इनको उतना ज्यादा रिसोर्सेस नहीं चाहिए, बायोटिक रिसोर्स नहीं चाहिए, ना सन चाहिए, ना सनलाइट चाहिए, ना इसको न्यूट्रिएंट चाहिए। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इनकी बॉडी में फंक्शन ज्यादा है नहीं। दिस आर नॉट कॉम्प्लेक्स स्पीशी, दे आर वेरी सिंपल स्पीशीज। ठीक है, इसलिए कम रिसोर्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब जैसे ही ये आएंगे, इसके बाद आपकी सरल स्पीशी आएगी, सरल के बाद आ जाकर क्लाइमेक्स में आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू यहां से आपका बनेगा। ठीक है, एक मिनट समझो कैसे बनेगा एमसीक्यू यहां पे आपका। अब कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी ईच लेवल ऑफ सब्सिक्वेंट सक्सेशन, मतलब कि पायोनियर से सिरल गए, सिरल से क्लाइमेक्स गए, मतलब वही हर बार आप एग्जाम्पल ये याद रखना आपने कि ग्रास, श्रब और आपका ट्री, यही याद रखना, तभी आपको रिलेटिविटी मतलब रिलेटिव में आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बताओ यार कि किसकी ज्यादा हो रही है, ऑब्वियसली जो रिप्लेस कर पा रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, राइट। तो सब्सिक्वेंट लेवल में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हाँ भैया बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, पेड़ पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर सकता है एज कम्पेयर टू ग्रास। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच इन अपर लेयर ऑफ सॉइल,
ऑब्वियसली यार जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा, ये सबसे कम न्यूट्रिएंट में सर्वाइव कर सकता है, आगे बढ़ेंगे न्यूट्रिएंट ज्यादा सर्वाइव करेगा, फूड वेव कॉम्प्लेक्स होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सक्सेशन में एवरीथिंग विल बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे समझो आप, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, समझो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगी चीजें, कॉमन सेंस, ठीक है। ग्रास कहाँ कॉम्प्लेक्स है, ये सब कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे फूड वेब भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फूड चेन भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस विल बी स्ट्रॉन्गर स्पीशी, ये स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। देखो क्लाइमेक्स स्पीशी क्या होगी, फाइनल स्टेजें बनती है, मल्टी सेलुलर होगी, ट्री इज वेरी वेरी मल्टी सेलुलर, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी मच्योर, लॉन्ग लाइफ ट्री की लॉन्ग लाइफ होती है, ग्रास तो कभी भी खत्म हो जाता है। एंड फूड वेव विल बिकम कॉम्प्लेक्स, ट्री के अंदर जो फूड वेव होगा, ठीक है, जो फ्रॉग है, जो स्पैरो है, जो स्नेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, भैया बताओ कि क्लाइमेक्स स्पीशी की लाइफ स्पैन ज्यादा है या पायोनियर स्पीशी की लाइफ स्पैन ज्यादा है, बताओ किसकी ज्यादा है। क्लाइमेक्स स्पीशी मतलब कि हमेशा याद रखना ट्री, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाओगे। पायोनियर का मतलब कि प्लांट, ज्यादा किसका होगा, ट्री का होगा लाइफ स्पैन, ठीक है। तो ये सब हर चीज में इतना ध्यान रखना एग्जाम में, ट्रिक समझ लो, हर चीज में क्लाइमेक्स वाला साथ है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है इसकी, इसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है, फूड वेब भी यहाँ कॉम्प्लेक्स है, एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स हियर, ओके। अब देखो टाइप्स क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, पहला टाइप है आपका दैट इज योर प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा है आपका सेकेंडरी सक्सेशन, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन, इसको समझते हैं आराम से क्या चीज है ये, ठीक है। देखो प्राइमरी का मतलब है कि सबसे पहला हुआ होगा ये, सेकेंडरी का मतलब कि इसके बाद हुआ होगा, सिंपल भाषा में समझते हैं। एट अ प्लेस वेयर नो लाइफ अकर्ड अर्लियर, मतलब सबसे पहले ये हुआ होगा तो पहले कोई लाइफ नहीं रही होगी, मतलब बेयर लैंड रॉक्स, न्यूली फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड, सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहाँ आइलैंड बन गए, लावा फ्लो हुआ आइलैंड बन गया, तो यहाँ तो पहले कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता नहीं था, सबसे पहले ये हुआ प्राइमरी हो गया, ठीक है, प्राइमरी सबसे पहला, राइट। न्यूली फॉर्म्ड नासेंट डेल्टा एस्चुरीज, ठीक है, नदी पानी लेकर आई, डेल्टा एस्चुरीज बना दिया वहां पे, तो यहाँ पहले लाइफ फॉर्म था नहीं, सबसे पहले एग्जिस्ट जो कॉलोनाइज करा इंडिया को, प्राइमरी सक्सेशन हो गया, ठीक है। तो इस केसेस में जो सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, क्लियर है। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब कि पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी बट ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उस एरिया का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब कि फॉरेस्ट था, मान लो फॉरेस्ट फायर लग गया, फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा एरिया जो क्या हुआ डिस्ट्रॉय हो गया। अब दोबारा जो वहां पे स्पीशी होगी इकोलॉजिकल, फिर वहां से घास उगेगा, ठीक है, फिर वो आगे जाके श्रब बनेगा, फिर ट्रीज उगेंगे। अब इस केस में जो सक्सेशन हो रहा है दिस इज अ सेकेंडरी सक्सेशन, बिकॉज यहाँ पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो प्राइमरी कौन सा होगा, प्राइमरी वो होगा जहां पे एकदम फर्स्ट टाइम लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, सेकेंडरी वो होगा जहां एग्जिस्ट करती थी, किसी कारणवश क्या हुआ डिस्ट्रक्शन हो गया, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे, सेकेंडरी हो गया प्राइमरी हो गया। अब मेरे को कॉमन सेंस बताओ एग्जाम में एमसीक्यू क्या बनेगा, पूछेंगे आपसे कि प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन में स्लो कौन है फास्ट कौन है, बोल देगा प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझना क्या है कि यार प्राइमरी है सबसे पहले जो काम करता है, मान लो कि अभी अंबानी के बेटे के पास पैसा है, अंबानी को पैसा बनाने में कम टाइम लगा क्योंकि धीरू भाई अंबानी के पास पैसा था, ही गेव दे मैन अंपायर, पर धीरू भाई अंबानी को पैसा बनाने में टाइम लगा क्योंकि पेट्रोल पंप में काम करते थे वो, तो सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन जो था, जो प्राइमरी सबसे एक्टिविटी होती है, दैट इज स्लो एंड दैट टेक्स टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को बनाने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू सेकेंड थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, समझ मेरी बात। तो स्लो होगा प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला ऑफकोर्स यहाँ पे फास्टर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है कि दूसरा टाइप है, जैसे मान लो कि ये क्लासिफिकेशन है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, पहला क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ फॉर्म पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, दूसरा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंट्स, कि विच एजेंट्स आर ट्रिगरिंग और विच एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेशन। तो पहला एक्सटर्नल एजेंट, दूसरा इंटरनल एजेंट, अगर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होगा तो एलोजेनिक बोलेंगे, ठीक है, और अगर उसके इंटरनल एजेंट जो उसमें ऑलरेडी लिविंग इनहैबिटेंट है, जो उस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जो उसके इंटरनल वाले हैं तो इसको बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। जैसे हमें पता है ना एलोपैथी वाली दवा को बोलते हैं, इसको एलोपैथी क्यों बोलते हैं अंग्रेजी दवा को, क्योंकि वो एलो मतलब कि बाहर की चीज़ों से काम कराता है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक फायर, ड्रॉट्स, फ्लड, ये आपके कहीं ना तो भी सेकेंडरी सक्सेशन वाली तो बात है, ठीक है। और अगर दिस सक्सेशन इज हैपेंड बाय द नेचुरल लिविंग इनहैबिटेंट ऑफ द कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहले ग्रास था, प्लांट आया, प्लांट ने ग्रास को कम करके इसके कॉस्ट पे इसके रिसोर्सेज को खाया,
सेम वाटर तो सेम अवेलेबल है, रिसोर्स मिनरल तो सेम अवेलेबल है सॉइल में, तो अब प्लांट के पास पावर ज़्यादा है, तो प्लांट ने क्या करा, प्लांट ग्रो क्यों हो गया, क्योंकि प्लांट प्लांट और ग्रास ने फाइट हुआ, अब प्लांट के पास पावर ज़्यादा है क्योंकि प्लांट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्पीशी, तो ये क्या कर रहा है कि ग्रास के बदले का सारा न्यूट्रिएंट, सारा पानी, सारा सनलाइट, एवरीथिंग इट इज़ अब्जॉर्बिंग, तो ये प्लांट ज़्यादा ज़्यादा उगने लगे और ग्रास कम होने लगा, बिकॉज ग्रास के रिसोर्सेज को प्लांट यूज़ कर रहा है। अब जैसे ट्री आएगा, ये इसके डैडी आ जाएंगे, अब ट्री इसका भी डैडी है, तो ट्री क्या करेगा, अब ये प्लांट वाले चीज़ों को, प्लांट के रिसोर्सेज को कम्पीट करेगा। अब रिसोर्स तो कॉन्स्टेंट है, अब देयर कॉम्पिटिशन किसके बीच में, प्लांट और ट्री के बीच में, अब डैडी कौन आ गया, ट्री, और जब ग्रास और प्लांट के बीच में कॉम्पिटिशन था तो डैडी कौन बना, प्लांट, ठीक है, बट इसके भी डैडी यहाँ पे आ गए, तो ट्री टुक ऑल द रिसोर्सेज एंड ट्री ने अल्टीमेटली क्या करा, एरिया को कॉलोनाइज कर लिया, तो ये आपका पायनियर बनेगा, बताओ पायनियर ये बनेगा, ये कौन सा बनेगा, बीच का बना, तो इसको क्या बोलेंगे, सरल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लाइमेक्स स्पीशी, पायनियर स्पीशी, सरल स्पीशी, क्लाइमेक्स स्पीशी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, क्लियर है। अब देखो लिमिटिंग फैक्टर मैंने पहले आपको बताया था मिसलेनियस में, अब समझेंगे कि क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन को हिंडर करता है। अब आपको समझ में आएगा कि क्या है बात है। ये देखो ये फैक्टर दैट एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर कौन कौन सा होगा, लाइक आपका सनलाइट, राइट, लाइक योर वाटर, लाइक योर ह्यूमिडिटी, लाइक योर टेम्परेचर, वो जो कि हिंडर करे इकोलॉजिकल सक्सेशन को। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझो डेजर्ट में क्या चीज़, क्या एबायोटिक, कौन सा एबायोटिक फैक्टर है जो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, मॉइस्चर, क्योंकि पानी नहीं होता, अब मॉइस्चर ज़रूरी है किसी भी प्लांट को उगने के लिए, ठीक है, इसीलिए अब मान लो कि यहाँ पे ग्रास से, अगर मेरे को ग्रास से मेरे को क्या चाहिए, ग्रास से श्रब चाहिए, श्रब से फिर ट्री चाहिए, तो ये ट्री तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्पीशी है, इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, राइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट चाहिए होगा, पर सनलाइट तो चलो मिल रहा है, बट इसको कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं मिल पा रहा है, मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा, तो ये तो कभी हो ही नहीं पाया, इसके लायक तो मिला नहीं, तो यहाँ से बात यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, तो ये इसलिए क्या होता है कि सक्सेशन नहीं हो पाया यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों को ग्रो करने के लिए वो उतना ज़्यादा आपको रिसोर्स मिल ही नहीं पाया, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग फैक्टर आ गया। लिमिटिंग फैक्टर क्या रहा, मॉइस्चर, मॉइस्चर लिमिटिंग अमाउंट में है एंड दैट लिमिटेड द इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसलिए डिजर्ट वाले एरिया में आपको ज़्यादा पेड़ वेड़ नहीं दिखेंगे, क्योंकि सक्सेशन ही नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, सवाना ग्रासलैंड में लिमिटिंग फैक्टर फायर है, वाटर है, फायर कैसे है, वाटर कैसे है, वाटर कम है, सवाना मतलब क्या, डिजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का था, यहाँ आपको बहुत कम पेड़ दिखेंगे, पेड़ होते हैं बट कम पेड़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ वाटर कम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए यहाँ से वैसे पायनियर स्पीशी एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन आएगा कि क्या पायनियर स्पीशी ओनली एग्जिस्ट इन केस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इन केस ऑफ ग्रासलैंड, तो यस, क्यों भैया, क्योंकि ग्रासेस तो बहुत लिमिटेड स्पीशी है ना, सिंपल स्पीशी है, कम रिसोर्स में भी चल जाएगा, कम एबायोटिक फैक्टर, कम मॉइस्चर भी होगा तो चल जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर इसको लिमिट नहीं कर पाया बट पूरे सक्सेशन को लिमिट कर पाया, कि ये ग्रास से ये बड़े वाले पेड़ में सक्सीड नहीं कर पाया, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होने वाला था वो क्या हो गया, हिंडर हो गया, ठीक है। दूसरा फायर, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, क्या होता है सवाना में, सवाना में जो ग्रास होता है ना, इसको हम लोग हार्ड ग्रास कहते हैं, ये ग्रास इतना हार्ड होता है कि ये आपस में लड़ के क्या होता है, ये फायर में आग लगा देता है, ठीक है, फ्रिक्शन से आग लग जाता है, तो पूरा का पूरा क्या होता है, ये आपके क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, पेड़ सब डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ग्रासेस क्या होते हैं, ग्रासेस अगेन बहुत हीट स्पीशी है, बहुत कम इसको मॉइस्चर चाहिए, बहुत कम इसको रिसोर्स चाहिए, बहुत कम न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये क्या होता है, ग्रासेस फिर से उग जाती है, देखा होगा ग्रास काटोगे फिर से उग जाएगा, बट ट्री को उगने में टाइम लगता है, ठीक है, तो बार बार आग लगेगा, ट्री बार बार तो उग नहीं सकता ना यार, दैट इज वाई यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर, यहाँ पे फायर भी है, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक क्लियर क्या क्या हो गया अपना, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब कि आगे बढ़ते हैं, सिंपल से सेरल, सेरल से क्लाइमेक्स, आगे बढ़ते लिमिटिंग फैक्टर होगा तो ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो सिंपल स्पीशी ही रहती है, इसीलिए डेजर्ट में हमेशा आपको, डेजर्ट में आपको यहाँ पे सिंपल स्पीशी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने क्या देख लिया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया भैया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने जो इकोसिस्टम का जो फंक्शन पढ़ा था, पहला था इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या था कि एनर्जी फ्लो, फ्लो ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ एनर्जी, तो वही एनर्जी फ्लो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एनर्जी फ्लो को समझने के लिए पहले समझो कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो कि ग्रास था, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने, तो ये एक लेवल बन रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज
ट्रॉफिक लेवल, एक ये लेवल ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल टू, ट्रॉफिक लेवल थ्री, कि दिस कंजम्पशन लेवल में इकोसिस्टम में हु ईट्स वॉट, इसको कहते हैं फूड चेन। और फूड चेन में जो लेवल है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक लेवल दूसरे लेवल पे, इस लेवल को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। पोजीशन इन द फूड चेन, फूड चेन में जो पोजीशन बनी, ये सब इसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल और क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी फ्लो। मैंने बताया आपको कि ग्रास की एनर्जी जाएगी आपके डियर में और डियर की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी आपके लायन में। ठीक है, तो ये एनर्जी फ्लो हो रही है। अब इस ट्रॉफिक लेवल के थ्रू वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर क्या हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। क्लियर है। अब इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड टू कंज्यूमर्स, मतलब कि ये ग्रासेस क्या हैं, ग्रासेस आर प्रोड्यूसर्स, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स। यहां से लेके यहां से ये अपने कंज्यूमर, मतलब कि डियर इसका पहला प्राइमरी कंज्यूमर है और ये लाइन इसका क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये इसका प्राइमरी कंज्यूमर है। तो इस लेवल में क्या हो रही है, इस तरीके से ऊपर आगे बढ़ रही है। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आगे बढ़ती है ट्रॉफिक लेवल। यहां तक क्लियर हो गया। अभी इस ट्रॉफिक लेवल को यूज करके हम फूड चेन समझते हैं। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन कुछ नहीं होता, कौन किसको खाता है उसको फूड चेन कहते हैं। ठीक है, वही मैंने बताया कि डियर ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, तो ये क्या हो गया आपका, फूड चेन हो गया। ठीक है, हु इट्स व्हाट, इट्स अ फूड चेन। मैक्सिमम पॉसिबल ट्रॉफिक लेवल किस फूड चेन में क्या हो सकता है वो बात करते हैं। यहां से आपके प्रीलिम्स में पीवाईक्यू भी आया हुआ है और एमसीक्यू भी यहां से आपका बनेगा। ठीक है, अब समझो, अपन सुनते हैं कि सी फूड में खाना चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ज्यादा एनर्जी होता है, क्यों होता है, आइए समझते हैं। देखो क्या होता है कि एक्वेटिक फूड चेन में ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होते हैं। एग्जाम में आपसे एमसीक्यू क्या बनेगा, यहां से एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है, इस वाले पार्ट से, यहां से आपका एक एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। कैसे बन सकता है, मैं समझाता हूं आपको। देखो, अब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे जाने में एनर्जी लॉस होगी, मतलब कि जैसे जितना घास में एनर्जी होगा, अब वो एनर्जी जब जब डियर ने खाया तो एनर्जी कम उसको मिली, अब डियर को जब शेर ने खाया तो एनर्जी क्या हो रही है कि फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर क्या हो रही है, इस हर प्रोसेस में, ठीक है, क्या हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में क्या होता है कि कोई मीडियम तो नहीं ट्रांसफर करने के लिए, तो इसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, ये कम एफिशिएंट है। तो ये सबसे आपका एमसीक्यू बनेगा, यहां पे भी एमसीक्यू बनेगा, यहां पर भी एक एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, बोलेगा कि टेरिस्टेरियल और टेरिस्टेरियल और आपके एक्वेटिक में विच इज मोर एफिशिएंट, योर एक्वेटिक इज मोर एफिशिएंट, विच हैज लेस एनर्जी लॉस, एक्वेटिक हैज लेस एनर्जी लॉस। क्यों, क्योंकि एक्वेटिक आपको मीडियम प्रोवाइड कराता है, पानी के थ्रू होता है, एनर्जी पानी के थ्रू ट्रांसफर होगी, तो पानी में क्या होगा, एनर्जी लॉस कम होगा। ठीक है, दैट इज वाई उसमें ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल है। ज्यादा लेवल ट्रॉफिक लेवल ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के समझो कि जितना एनर्जी कमाल लो कि मैं 100 लेकर चला था नीचे से, ठीक है, 100 एक ट्रॉफिक लेवल पे, मेरे प्रोड्यूसर के टाइम में ग्रास में 100 था, ग्रास को डियर ने खाया तो बच गया मेरा 50, डियर को लायन ने खाया बच गया कितना, मान लो बच गया 10, लायन मर गया उसको खाया, डिकम्पोजर ने बचा इसके पास 0। अब यहां तो 0 हो गया, इसके आगे हम जा नहीं सकते, तो कितना लेवल हुआ, 1, 2, 3, 4 लेवल हुआ। जनरली 4 से 5 लेवल होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एक्वेटिक में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड, कि यहां पे एनर्जी जो लॉस हो रहा है कम लॉस हो रहा है, तो मान लो मैं यहां से 100 लेकर चला था, तो जो 50 हुआ उसकी जगह यहां पे 60 ही बचा होगा, 60 की जगह 40 बचा होगा, फिर यहां 30 बचा होगा, फिर यहां 20 बचा होगा, फिर 10 बचा होगा। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लेवल बन गया यहां पे, क्योंकि एनर्जी लॉस कम हो रहा है। जितना एनर्जी लॉस कम होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगे। रटाना कुछ भी है क्या इसमें, समझने की चीज है कि एनर्जी लॉस कम हो रहा है तो एफिशिएंट ज्यादा है, एफिशिएंट यहां पे एक चीज देखो, यहां पे ऐसा है कि ये एफिशिएंट ज्यादा है। ठीक है, वो मिसप्रिंट मिसटाइप हो गया था। ठीक है, एनर्जी लॉस कम होता है, एनर्जी लॉस इज लेस बट एफिशिएंट इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, अब देखो इसमें एनर्जी ट्रांसफर देखो कहीं ना कुछ तो भी 10% की होती है, इसमें 15% की होती है, मतलब इसमें 10% ही ट्रांसफर हुआ, बाकी लॉस हो गया। इसमें 15% ट्रांसफर हुआ, मतलब 5% ज्यादा ट्रांसफर हुआ। ठीक है, 5% कम लॉस हुआ, समझ आ रही बात। तो फूड चेन में क्या देखा हमने कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन में, ठीक है, जैसे मतलब क्या जमीन पे हो रहा है या पानी में हो रहा है, जो जमीन पे हो रहा है उसमें लॉस ज्यादा है, एफिशिएंट कम है, इसीलिए ट्रॉफिक लेवल कम होंगे, पहला। दूसरा कि एक्वेटिक में ये सब ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेगा ट्रॉफिक लेवल में ये टेरेस्ट्रियल हैज मोर ट्रॉफिक लेवल देन द एक्वेटिक, नो, एक्वेटिक हैज मोर ट्रॉफिक लेवल्स, एक्वेटिक सिस्टम इज लेस एफिशिएंट देन टेरेस्ट्रियल, नो, एक्वेटिक इज मोर एफिशिएंट देन टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक में क्या एनर्जी लॉस कम होती है। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो फूड चेन समझ गए अपन, ट्रॉफिक लेवल समझ गए, हर एक का जो लेवल बना हुआ है फूड चेन में उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, और कौन किसको खा रहा है इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, चेन को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं फूड चेन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है ग्रेजिंग, दूसरा होता है डेट्राइटिस। ग्रेजिंग का मतलब है कि जो एक दूसरे को खा रहे हैं। ग्रेजिंग की मतलब शुरुआत जो होती है, ग्रेजिंग की शुरुआत जो होती है वो ऑटोट्रॉप से होती है, मतलब कि जो प्लांट बायोमास से होती है, जो प्लांट होता है। इस तरीके से अगर मान लो मैं एक्वेटिक सिस्टम की बात करूं तो एक्वेटिक में भी तो प्लांट होता है ना, सी प्लांट जो होता है, ठीक है, इसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं हम। तो फाइटोप्लैंक्टन को फिशेस खाती हैं, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है, बड़ी फिश को उससे बड़ी फिश खाती है। तो ये पूरा सिस्टम होता है एक्वेटिक सिस्टम में, राइट। सो इसको ग्रेजिंग कहेंगे एक्वेटिक का। अब ये ग्रेजिंग आपकी टेरेस्ट्रियल पे भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर जो आपका है, क्या हो गया यार, तो टाइप्स ऑफ फूड चेन में आपका ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग में दो तरह के होगा, टेरेस्ट्रियल होगा जो अर्थ पे होगा आपके, एक्वेटिक वाला होगा जो वाटर में होगा या लैंड में होगा। और टेरेस्ट्रियल में आपका ग्रेजिंग का मतलब हुआ कि दिस विल स्टार्ट फ्रॉम अ ऑटोट्रॉफ, मतलब कि प्रोड्यूसर यानी प्लांट से स्टार्ट होगा। तो इस केस में ग्रास से स्टार्ट हो सकता है, इस केस में फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हो सकता है एक्वेटिक सिस्टम में, ठीक है। दूसरा फूड चेन का टाइप होता है डेट्राइटस। पहला था ग्रेजिंग, दूसरा डेट्राइटस। अब ग्रेजिंग के तो सब टाइप टाइप है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब दूसरा टाइप था डेट्राइटस। डेट्राइटस मतलब क्या होता है, जो मरा हुआ सड़ा हुआ खाना जो होता है उसको कहते हैं डेट्राइटस। का दो टाइप अगेन हो जाएगा, डिट्रीवोरस और डिकम्बोजर। डिट्रीवोरस वो है जो मरे हुए चीज को खा, लाइक अर्थवर्म हो गया, वल्चर हो गया, लाइक क्रो हो गया, ठीक है। इनको स्केवेंजर्स भी कहते हैं, जो मरा हुआ बचा हुआ फेंका हुआ खाना खाते हैं, ठीक है, डिट्रीवोरस ही हो गया। डेट्रीवोरस दूसरा टाइप हो गया आपके डिकम्पोजर्स, जो कि सड़ा कर खाने को खाते हैं। ये सिर्फ मरा हुआ को उठा के खा लेगा, इसको सड़ाएगा फिर खाएगा, इसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो सेप्रोफाइट्स एंड स्केवेंजर्स बोथ आर पार्ट ऑफ डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा आपके, कि ह्यूमिफिकेशन की डेट्राइटस फूड चेन इज रिलेटेड टू द ह्यूमिफिकेशन, मतलब कि अब डिकम्पोजर अगर सड़ाएगा, डिट्रीवोरस किस चीज को, अर्थवर्म है वो, किसी ने मान लिया कोई जानवर मर गया उसको सड़ाया उसने, या फिर उसको उसने कंपोज किया डिकम्पोज किया, तो ह्यूमस में ही तो कन्वर्ट होगा, सॉइल के अपर लेयर में ही तो आएगा ये, राइट। अर्थवॉर्म में तो सॉइल के अपर लेयर में ही तो आएगा, ठीक है। पहली चीज, इट इज कनेक्टेड टू द ह्यूमिफिकेशन, बस इतना याद रखना है, ओके। दूसरी चीज कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर पूछे आपसे कि कहाँ इन्वॉल्व होती है, ग्रेजिंग में होती है या डिट्राइटस में होती है, आपसे पूछेगा कि ग्रेजिंग फूड चेन अगर टोटल में माने, डिट्राइटस फूड चेन टोटल में माने, ज्यादा एनर्जी कहां पर है, डिट्राइटस में देयर इज मोर एनर्जी। व्हाई, क्योंकि सबको मृत्यु को अंत में प्राप्त होना है। एवरीथिंग व्हिच इज, यहां पर जितने भी लोग हैं ये सब मरेंगे, ये सब मरेंगे, तो अल्टीमेटली कहां सब किस चेन में काउंट होगा, डिट्राइटस में सब कुछ काउंट होगा, क्लियर है, ओके। फूड चेन देख लिया, ग्रेजिंग डिट्राइटस, ग्रेजिंग मतलब ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होगा और ये मरे हुए से स्टार्ट होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां देख लो ग्रेजिंग मतलब डिट्राइटस फूड चेन का मतलब, ग्रेजिंग का मतलब हुआ कि स्टार्ट फ्रॉम ऑटोट्रॉफ लाइक प्लांट बायोमास, डिट्राइटस का मतलब हुआ स्टार्ट फ्रॉम डेड मैटर जो मर गया, ठीक है। सेप्रोफाइट देखो, सेप्रोफाइट क्या बताया मैंने, सेप्रोफाइट यहां पे ये डिकम्पोजर जो सड़ा गला के खाते हैं केमिकल्स है, बैक्टीरिया फंगस ईस्ट मोल्ड्स मशरूम। एग्जाम्पल का ध्यान रखना है कि नो वायरस नो एल्गी, एल्गी एंड वायरस आर नॉट अ काइंड ऑफ सेप्रोफाइट्स, ओनली बैक्टीरिया फंगस ईस्ट मोल्ड्स एंड मशरूम्स, एल्गी एंड वायरस, वायरस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यहां ध्यान रखा, समझ गया बात। अब देखो इकोलॉजिकल पिरामिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्यों समझना है इकोलॉजिकल पिरामिड, क्योंकि हमें पिरामिड ऑफ एनर्जी समझना है, हमें पिरामिड ऑफ नंबर समझना है, एंड हमें पिरामिड ऑफ बायोमास समझना है। अभी बहुत ये सब डाउंटिंग लग रहा होगा, पांच बार पढ़ लोगे ना सब कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है, ट्रस्ट मी, ठीक है। समझो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। पिरामिड देखो, पिरामिड इस तरीके से हो गया, पिरामिड ऑफ गिजा नहीं है, पिरामिड इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। एक होता है अपराइट, एक होता है इन्वर्टेड, मतलब क्या है समझो, ये कुछ रूल में बताता हूं, रूल समझो पहले। एक होता है अपराइट, एक होता है इन्वर्टेड, एक चीज में आगे। दूसरी चीज क्या होती है कि बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर होगा, मैं आपको पिरामिड बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो बेस से हमेशा प्रोड्यूसर होगा, चलो भैया बेस से मैंने प्रोड्यूसर बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक ट्रॉफिक लेवल बनाया, ठीक है, इस तरीके से बनाया, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल, तो ये मेरा क्या हुआ, ये ट्रॉफिक लेवल है, ये लेवल हुआ लेवल टू, लेवल थ्री, ठीक है। इस ट्रॉफिक लेवल में कुछ स्पीशीज होंगे, ठीक है, इसमें कुछ स्पीशीज होंगे, ठीक है, इसे फिर स्पीशीज होंगे, इसमें भी स्पीशीज होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल है, एक, ये हो गया आपका एक दो तीन चार ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। ये बेस पे जो पड़ा है आपका, ये प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्लांट होगा, ठीक है। अगर ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम है तो यहाँ प्लांट होगा, एक्वेटिक है तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन होंगे, ठीक है। यहाँ पे लैंड का प्लांट होगा, वहां सी का प्लांट होगा। उसके बाद जो प्लांट को कंज्यूम करेगा वो यहाँ पे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, इस प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, सॉरी समझ रहे, प्राइमरी कंज्यूमर है ये, सेकेंडरी कंज्यूमर है ये, टर्शरी है। जो सीखा था हमने, मान लो कि ये आपका प्लांट है, ये आपका उसको खाया डियर ने, उसको खाया आपके जैकल ने, उसको खाया आपके लायन ने, ठीक है। इस तरीके से आपका काम हो रहा है,
समझ रहे हो? तो हम क्या करें, बेसिकली वी आर मूविंग अहेड द ट्रॉफिक लेवल, और स्टार्ट कहां से करें, ग्राउंड से करें। तो ग्राउंड रूल क्या है कि नीचे हमेशा ही आपका क्या होगा, नीचे हमेशा ही आपका क्या होगा, एवरी टाइम नीचे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज देर इज योर प्लांट, पहला थंब रूल है, ठीक है। अब ये पिरामिड अपराइट और इन्वर्टेड होने का क्या मतलब है, मैं समझाता हूं आपको इसका मतलब। समझो इसका मतलब कि इन्वर्टेड का मतलब है कि नीचे जो नंबर है आपका वो कम है, ऊपर पढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है नंबर, यहां ज्यादा स्पीशीज है, यहां यहां कम स्पीशीज, यहां और ज्यादा स्पीशीज, यहां ज्यादा स्पीशीज, यहां ज्यादा स्पीशीज। इस केस में क्या हुआ, यहां ज्यादा स्पीशीज है, जैसे जो ऊपर जा रहे हैं कम हो रहा है, समझ रहे हो? तो इन्वर्टेड वाले में क्या है कि उल्टा केस है, ठीक है। अब यहां समझते हैं कि किस किस चीज का पिरामिड हो सकता है। नंबर का पिरामिड होता है, एनर्जी का होता है, बायोमास का होता है। नंबर का पिरामिड नॉर्मल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, समझेंगे आगे जाके। अभी सिर्फ देखो यहां पे, बायोमास का पिरामिड नॉर्मल भी होता है, इन्वर्टेड दोनों होता है, बट एनर्जी का पिरामिड इज ऑलवेज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज ए नंबर। क्या मतलब होता है अपराइट होने का? अपराइट का मतलब क्या होगा, ये होगा, ये अपराइट होगा ना, अपराइट। अपराइट का मतलब क्या समझ में आता है अपने को, कि जैसे ही नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी मेरा क्या होगा, अगर ऑलवेज अपराइट है एनर्जी का पिरामिड, ये मान लो पिरामिड ऑफ एनर्जी है मेरा, एनर्जी का पिरामिड है, तो प्रोड्यूसर से अगर ऊपर जा रहे हैं, प्रोड्यूसर हो गया, ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, जैसे ऊपर जा रहे हैं डोंट यू थिंक कि एनर्जी मेरी कम हो रही है, ये कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, ये छोटा सा एरिया, ये पूरा बड़ा सा एरिया, यहाँ ज्यादा एनर्जी है, यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ थोड़ी और कम है, यहाँ थोड़ी और कम है, तो नीचे से ऊपर जाए एनर्जी क्या हो रही है, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। That is why, and this is very very true. Don't you think logical है कि मैंने बताया था कि जैसे ऐसे ऊपर जाएंगे, ग्रास है, डियर ने खाया, डियर को लाइन ने खाया, तो ग्रास में जो एनर्जी थी, डियर ने जो ली, बीच में एनर्जी लॉस हुई है। दिस इज वॉट वी कॉल इज लिंडमैन्स लॉ। कि लिंडमैन लॉ क्या कहता है कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, बाकी एनर्जी इज लॉस्ट। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अपन अभी तक क्या सीखा, हमने क्या सीखा, पिरामिड बस एक तरीका है दिखाने का, ठीक है। अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड होगा तो मतलब उल्टा केस होगा, अपराइट में क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो चीजें क्या हो रही है, छोटी हो रही, कम हो रही है, ठीक है। अब एनर्जी का पिरामिड बात करेंगे तो हमेशा सीधा होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे एनर्जी कम ही होनी है। बायोमास का ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। नंबर्स का भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अब चलो पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इसमें से सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी वाला पिरामिड किस तरीके से। टेस्टली एनर्जी का जो फ्लो है, ठीक है, टेस्टुअल फूड चेन पहले बात करते हैं, फिर एक्वेटिक फूड चेन में बात करेंगे। टेस्टुअल का मतलब क्या हुआ, जो ग्राउंड में हुआ, ग्रास को खाया, ग्रास ऊपर ने उसको खाया, फ्रॉग ने फ्रॉग खाया, स्नेक ने स्नेक खाया, ईगल ने, कितना ट्रॉफिक लेवल हुआ इसमें, कितना ट्रॉफिक लेवल हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हुआ इस ये, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि देख रहे हो यहां ज्यादा एनर्जी है, यहां कम हुई, यहां और कम हुई, यहां और कम हुई, यहां और कम हुई, क्यों होनी है, पता है एनर्जी का क्यों हो रहा है, हर एक सब्सिक्वेंट लेवल में एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दिस इज व्हाट इज वी कॉल इज लिंडमैन्स लॉ, लिंडमैन्स एनर्जी रूल, कि 10% रूल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको हम लोग, 10% रूल भी कहते हैं इसको, लिंडमैन्स लॉ। इसमें क्या बेसिकली होता है कि एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि टेस्टुअल फूड चेन में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टेस्टुअल फूड चेन का जो पिरामिड है इट इज ऑलवेज अपराइट, ऑब्वियसली एनर्जी का पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही। एक्वेटिक फूड चेन में भी इट इज अपराइट, क्यों भैया, क्योंकि एनर्जी तो लॉस यहां पर भी हो रही है। फाइटोप्लैंक्टन का, जूप्लैंक्टन का, क्रस्टेशियन ने, क्रस्टेशियन का, हेरिन, मेकर, मतलब फिश के नाम है, ठीक है, उससे बड़ी फिश सबको लास्ट में खाया शार्क ने, तो नीचे से ऊपर जाए आपको लग रहा होगा कि यार शार्क के पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, बट एनर्जी इस पर्टिकुलर खाने से बात हो, टोटल एनर्जी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर खाने को खाया उस पर्टिकुलर फूड चेन में, तो एनर्जी का क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो एनर्जी इज मोर इन एक्वेटिक फूड चेन, ये देख लिया था हमने, क्योंकि मीडियम ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी मीडियम होता है, और रेस्पिरेशन एक्वेटिक का लेस एनर्जी कंज्यूमिंग है, क्योंकि वो पानी में उनके पास गिल होता है, ठीक है, एनर्जी कम लॉस होती है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था फूड चेन उस आगे पहले वाले टॉपिक में। तो अभी अपने सीखा क्या, हमने सीखा कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज ऑलवेज अपराइट, क्यों अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी का लॉस होना ही होना है, ठीक है। टेस्टुअल में भी अपराइट है, इसमें भी अपराइट है, नीचे से ऊपर जाएंगे क्या होगा, एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, देख लिया हमने यहां तक। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में। नंबर का क्या मतलब है, कि ग्रास ज्यादा नंबर में होगा, कि ग्रास ऊपर ज्यादा नंबर में होगा, कि फ्रॉग ज्यादा नंबर में होगा, कि स्नेक ज्यादा नंबर में होगा, आपको क्या लगता है, आप मुझे बताओ। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होगा, दिस इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्योंकि ग्रास के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वेयर इज अ ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम में इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो, हाउ, हाउ कम, देखो ट्री में सबसे नीचे, सबसे नीचे नंबर देखो, ट्री सबसे कम होता है, ट्री के ऊपर हर्बीवर्स इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट उससे ज्यादा होंगे,
उससे ज्यादा उनके पैरासाइट्स होंगे। तो ट्री में ये इन्वर्टेड भी हो जाता है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है अपने को। तो पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी अपराइट, कैन बी इन्वर्टेड। तो ग्रासलैंड में तो इन्वर्टेड है, बट ट्री को सिस्टम, सॉरी ग्रासलैंड में तो अपराइट है, ट्री में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। अब एक्वेटिक में देख लो, फाइटोप्लैंकटन सबसे ज्यादा नंबर में होंगे, जूप्लैंकटन और कम होगा, उससे बड़ी फिश और कम नंबर में होगी, शार्क सबसे कम नंबर में होगी। तो नंबर नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक्वेटिक में भी पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, अपराइट है, ठीक है। ग्रासलैंड में भी पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, ये तो ग्रासलैंड सिस्टम यही तो है, इसमें भी क्या है, अपराइट है। ग्रास ज्यादा सबसे ज्यादा होगा, ग्रास ऊपर और कम होंगे, फ्रॉग और कम होंगे, स्नेक और कम होगा, ईगल और कम होगा। तो नंबर भी हम इस तरीके से क्या करें, नीचे ऊपर जाएंगे। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एनर्जी तो हमेशा ही अपराइट होनी है, यहाँ पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट है, ठीक है। ये सब एकदम हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है, आप समझ लो इस चीज को। देख लिया आपने, पिरामिड देख लिया, एक्वेटिक का देख लिया अपराइट है, टेस्ट्रेल का देख लिया, ग्रासलैंड का अपराइट है, और टेस्ट्रेल में जो ट्री को सिस्टम होगा, ट्री में जो होगा वो इन्वर्टेड हो जाता है। दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमास क्या होता है, एनीथिंग जो आप कंज्यूम कर, बायोलॉजिकल मास, ठीक है, जिसमें कार्बन है, जिसको आप खा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब देखो अगेन सेम क्लासिफिकेशन, टेस्ट्रेल इकोसिस्टम में देखेंगे, फिर एक्वेटिक में देखेंगे। टेस्ट्रेल में इट इज ऑलवेज अपराइट, कैसे भैया, कैसे आप मुझे बताओ। ग्रासेस का मास सबसे ज्यादा होगा, फिर डियर का मास उससे कम होगा, वुल्फ का उससे कम होगा, लायन का उससे कम होगा। अब आप बोलोगे यार कि लायन का कम कैसे होगा भाई, लेकिन भैया लायन का साइज इतना भी बड़ा नहीं है ना यार कि वो उसके नंबर को कंपेंसेट कर जाए। लायन की का नंबर कम है और उसका मास भी इतना ज्यादा नहीं है। वेयर एज शार्क्स, व्हेल्स, शार्क्स का मास कितना ज्यादा है, इट इज वेरी वेरी बिग एज कम्पेयर टू लायन। तो शार्क अगर कम नंबर, मानता हूं कि शार्क का नंबर वाला पिरामिड अपराइट है, क्योंकि शार्क कम नंबर में होगी, बट शार्क का जो इंडिविजुअल शार्क का वेट है वो बहुत ज्यादा है। तो बायोमास क्या होगा, नंबर इंटू वेट। तो वेट इसका इतना ज्यादा है कि नंबर कम होने की वजह से भी जो रिजल्टेंट, मान लो इसका एक्स आता है, इट इज वेरी वेरी हाई। अब मान लो कि इसका 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 वाई आता है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दैट इज वाई लाइन वाला कम होगा। अब आपको लगेगा कि लाइन भी तो ग्रास से ज्यादा है, बट ग्रास की क्वांटिटी देख रहे हो कितनी ज्यादा है, तो लाइन इतना भी भारी नहीं है कि अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर ले, बट शार्क आर सो हैवी कि वो अपने क्वांटिटी को बैलेंस कर लेती है। दैट इज वाई एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास, मतलब बायोलॉजिकल मास का जो पिरामिड होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो छोटी छोटी फिशेज हैं, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन हैं, वो क्या शार्क के वेट को कंपेयर कर सकते, बिल्कुल नहीं कर। शार्क इज ह्यूज मैन, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास अब एक बार रिकॉल करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्लियर होगा। तो अब देखो, पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी नॉर्मल, कैन बी इन्वर्टेड, देख लिया था हमने। नंबर वाला नॉर्मल कहाँ होगा, ग्रासलैंड में होगा, कहाँ होगा, एक्वेटिक में होगा। इन्वर्टेड कहाँ पे होगा, नंबर वाला आपके ट्री वाले सिस्टम में होगा, ठीक है। एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, एनर्जी का लॉस होना है। अच्छा, बायोमास वाला नॉर्मल कहाँ पे होगा, आपके टेस्ट्रेल में होगा, ग्रास से लेके आपके लाइन तक में। इन्वर्टेड कहाँ पे होगा, इस शार्क से, याद रखना इसको, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा भाई इसको, नहीं तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, ठीक है। समझना है, समझा दिया मैंने, अब आपको रटना, इसको समझना, सब कुछ करना, आपके जिम्मे इसको डाइजेस्ट करना, बेसिकली आपको इसको डाइजेस्ट करना है, ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। देख लिया हमने ये सब। अब मिसलिनियस पे आते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ देख लो कि कार्बन से जो बनता है बायोगैस होता है, एग्जाम में आ जाए तो, इसमें बायोगैस में बेसिकली मीथेन होता है आपका। मीथेन में क्या होता है, कार्बन ही तो होता है, CH4। नाइट्रोजन से मतलब बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, बायो टॉयलेट। अगर कोई पूछे आपसे बायो फर्टिलाइजर में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है। बायो टॉयलेट में क्या होता है, नाइट्रोजन का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कार्बन साइकिल का एप्लीकेशन बायोगैस है, नाइट्रोजन साइकिल का एप्लीकेशन आपका बायो टॉयलेट, बायो फर्टिलाइजर है, ये ध्यान रह जाएगा एग्जाम के लिए। ओके, अब एग्जाम में देखो, आपके म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड एमेंसलिज्म, इसको कैसे ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्शन, ठीक है। मतलब कि दो स्पीशी ए है और बी है, दोनों के बीच का हम लोग इंटरेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों इंटरेक्ट कर आपस में, दोनों को फायदा हो गया, तो पीछे बोलेंगे क्या, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि ग्रास था और यहाँ पे श्रब था, दोनों कंपीट कर रहे हैं, दोनों का नुकसान होगा, तो दोनों को नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो बोलेंगे कंपटीशन, कंपीट करोगे दोनों का नुकसान होगा। प्रेडेशन में क्या होगा, एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा। मतलब कि अगर शेर ने
शेर ने डियर को खा लिया लायन ने, तो शेर का पॉजिटिव हो गया, डियर डियर तो खत्म हो गया, डियर का नुकसान हो गया नेगेटिव, तो प्रेडेशन में एक को पॉजिटिव होगा एक को नेगेटिव होगा, प्रेडेशन समझ में आ गया, म्यूटलिज्म म्यूचुअलिज्म समझ में आ गया, कॉम्पिटिशन दोनों को नेगेटिव होगा, जो दोनों को पॉजिटिव दोनों को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, पैरासिटिज्म में अगेन वही होगा, एक को फायदा होगा एक को नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को पॉजिटिव होगा और एक को जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यहां पे आपकी एक काऊ है, ठीक है, काऊ तो नहीं लग रही है, जो भी है काऊ है, काऊ के ऊपर अगर क्रो बैठा हुआ है, क्रो इसके ऊपर से अगर कुछ खा रहा है, ठीक है, अभी कीड़ा वाड़ा खा रहा है, तो इसका कुछ लॉस हुआ क्या? बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ, बट इसका तो फायदा हो गया, क्रो का फायदा हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, जो बड़ी मछलियां होती हैं इनके ऊपर छोटी छोटी फिश जो होती हैं ट्रैवल करती हैं, इसका कुछ नुकसान हुआ क्या बड़ी वाली मछली का? कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट इसका फायदा हो गया, तो इसमें ये पॉजिटिव में आ गया बट ये जीरो में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कमेंसलिज्म। देखो तो म्यूचुअलिज्म आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में आराम से, कंपटीशन भी दोनों का नेगेटिव समझ में आ जाएगा, प्रेडिक्शन में एक का पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, पैरासिटिज्म समझ में आ जाएगा एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है, कंफ्यूजन कहां होगा? इन दोनों में होगा। इसको ऐसे याद रखना आपको, एक में पॉजिटिव, इसमें दोनों में जीरो जीरो है, एक तो जीरो जीरो होगा भैया। अब पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन है? देखो आई मीन थोड़ा सा वल्गर, आई वोंट से वल्गर बट ठीक है, सो आई विल जस्ट आई वुड से, देखो यार ऑब्वियसली आपको याद करने के लिए यू हैव टू यूज सर्टेन थिंग्स, सो आई यूज दिस ट्रिक कि एमेंसलिज्म इज रिलेटेड टू दैट वर्ड विच आई रोट हेयर, ठीक है, एंड इट इज वॉट, इट वॉन्ट गिव यू अ गुड फीलिंग बींग अ बॉय, राइट, सो दैट इज वाई यूर फील नेगेटिव फीलिंग, एंड दूसरे जीरो तो था ही, जीरो वाले में तो डाउट नहीं था, आपने को देखा था कि पॉजिटिव कहां पे है, तो अपन को एमेंसलिज्म नेगेटिव फील होगा और कमेंसलिज्म में क्या होगा? पॉजिटिव फील होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात? समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत मुझे लगता है कि यहां पे है। अब यहां से बात करेंगे न्यूट्रिएंट फ्लो के बारे में अपन। ऑलराइट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपका न्यूट्रिएंट का फ्लो किस तरीके से होगा। पहले अपन देखा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक फंक्शन था उसका, दूसरा फंक्शन क्या था आपका कि उसके एनर्जी का फ्लो, ठीक है, इसमें हमने फूड चेन फूड वेब वगैरह देखा हमने, ठीक है, क्या ट्रॉफिक लेवल होता है, पिरामिड किस तरीके से बनता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें देखेंगे न्यूट्रिएंट का फ्लो किस तरीके से होता है कि एक ऑर्गेनिज्म ग्रास का न्यूट्रिएंट किस तरीके से आपके डियर में ट्रांसफर हुआ, डियर का फिर लायन में ट्रांसफर हुआ, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग के लिए अपन दो चीज़ों को देखेंगे कि पहला गैशियस साइकिल होगा, दूसरा आपका सेडिमेंटरी साइकिल होगा, ठीक है। एमसीक्यू कहां से बनेगा? आपके एक साल लास्ट ईयर है या लास्ट टू लास्ट ईयर आपके इससे क्वेश्चन आया था, फॉस्फोरस साइकिल से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एमसीक्यू क्या बनेगा आपका कि रिजर्वर पूछेगा आपसे कि गैशियस साइकिल में रिजर्वर क्या है? इसमें एटमोसफेयर है। इसमें सेडिमेंटरी साइकिल में रिजर्वर क्या है? लिथोस्फेयर है। आपसे क्या पूछेगा कि कार्बन साइकिल का रिजर्वर क्या है? एटमोसफेयर है। नाइट्रोजन साइकिल का रिजर्वर क्या है? एटमॉस्फेयर है। नाइट्रोजन इज अ गैस, रिजर्वर क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा। कार्बन इज अ गैस, रिजर्वर क्या होगा? वहां कहां स्टोर हो रहा है, कहां से आ रहा है? तो एटमॉस्फेयर से आ रहा है। ऑलराइट, सेडिमेंटरी साइकिल ऑन द अदर हैंड सेडिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, सॉलिड्स के बारे में बात कर रहा है। सल्फर सॉलिड के फॉर्म में निकलेगा, फॉस्फोरस सॉलिड के फॉर्म में निकलेगा, राइट, तो ये कहां से आएगा? लिथोस्फेयर से आएगा। इसका रिजर्वर क्या होगा? लिथोस्फेयर होगा। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है कि गैशियस साइकिल गैशियस मीडियम में, सेडिमेंटरी साइकिल मतलब कि सेडिमेंट के मीडियम में होगा, ठीक है। इसमें अपन नाइट्रोजन देखेंगे, कार्बन देखेंगे, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्बन देखो, कार्बन साइकिल ऑब्वियसली गैशियस साइकिल है, गैस के फॉर्म में होगा, फास्टर होगा, एफिशिएंट होगा। अब आप मुझे बताओ, ये कोई मेरे से पूछे एक गैशियस साइकिल और फास्टर और सेडिमेंटरी साइकिल इज फास्टर, जो फास्टर होगा एफिशिएंट भी होगा, ठीक है, तो गैशियस साइकिल आर फास्टर इफिशियंट दैन सेडिमेंटरी साइकिल। क्यों भैया? क्योंकि सेडिमेंट में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी का बहुत तरीके से लॉस होगा, गैस इज अ रिलेटिवली गुड मीडियम, ठीक है। तो अपन ने देखा ना कि एक्वेटिक में कम होता है, तो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होगा? गैशियस में होगा। बट तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड एंड देन गैस, तो लिक्विड का एक्वेटिक का ज्यादा था, उससे भी ज्यादा आपके गैशियस का, सबसे ज्यादा इफिशियंट कौन सा होगा? गैशियस मीडियम होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो एमसीक्यू क्या बनेगा? रिजर्वर क्या है कार्बन इसका? एटमॉस्फेयर। सल्फर फॉस्फोर साइकिल का रिजर्वर क्या है? लिथोस्फेयर। पहला एमसीक्यू ये बन जाएगा आपका। सेकंड एमसीक्यू क्या बनेगा आपका कि ज्यादा एफिशिएंट कौन है? गैशियस साइकिल। पूछेगा नाइट्रोजन साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन सल्फर साइकिल? यस, क्योंकि ये गैशियस साइकिल है। कार्बन साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन फॉस्फोर साइकिल? ऑब्वियसली यस, गैशियस साइकिल है। गैशियस इज मोर एफिशिएंट देन द सेडिमेंटरी साइकिल, क्लियर है। अब देखो फास्ट एफिशिएंट देख लिया, बिल्कुल सही। CO2 माइनर कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? नाइट्रोजन, ये अपन को पता है। ऑक्सीजन मेजर उतना नहीं है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, याद रखेंगे, ठीक है।
इंपॉर्टेंस देखो, फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लोबल कूलिंग। ग्लोबल कूलिंग में काम करता है कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना है। अब देखो, CO2 के बिना लाइफ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, पता है सबको, ठीक है। अब देखो प्रोसेस किस तरीके से काम करता है वो देखो, कुछ इस तरीके से काम करता है। एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट लेते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और खाना बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। CO2 लिया, खाना बनाया, और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इतना तो पता है, बचपन से पढ़ा हुआ है। अब ये प्लांट को फूड की तरह एनिमल खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट उनको मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक कॉम्पोनेंट क्या होता है? कार्बन ही तो होता है, राइट। ओके, तो इनको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लाइक किसी को फैट मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, राइट, ग्लूकोज मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ओके, कुछ जो इसका कार्बन होगा वो डीप सॉइल और रॉक में जाके अंदर पेनेट्रेट होके स्टोर हो जाएगा, और कुछ होगा जो फॉसिल के फॉर्म में जाके ट्रैप हो जाएगा। और ओवर द टाइम अगर फॉसिल फॉसिल बन जाएगा, अंदर बहुत नीचे चला गया, एक्सट्रीम प्रेशर में बन गया, कोल बन गया, नेचुरल गैस बन गया, ठीक है, तो वही कार्बन जो ट्रैप हुआ, जो डेड डिकेइंग मैटर ट्रैप हो गया, जो प्लांट जो ट्रैप हुआ, ठीक है, या प्लांट को किसी एनिमल ने खाया वो ट्रैप हो गया, दैट बिकम फॉसिल। फॉसिल बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। अब उसको बर्न करोगे फॉसिल फ्यूल को, तो अगेन CO2 रिलीज होगा, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ऑलराइट, सॉइल में यहाँ पे आपका ट्रैप हो गया। दूसरा कि एनिमल, अब ये एनिमल एनिमल मतलब एनिमल हम लोग भी आ गए, हमने प्लांट को कंज्यूम करा, अब हम लोग जब रेस्पिरेशन करेंगे या फिर मर मुरा जाएंगे तो उसके थ्रू CO2 रिलीज होगा एटमॉस्फेयर। मतलब आप देख रहे हो एक पूरा का पूरा साइकिल है कि CO2 हम लोग तक आया था और वापस एटमॉस्फेयर में किस तरीके से पहुंच रहा है, ठीक है, इट इज अ साइकिल, ठीक है। तो ये साइकिल आप देख लेना एक बार, ठीक है, कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, बस इतना आपने को ध्यान देना है एग्जाम के लिए। क्या ध्यान देना है कि राइस फील्ड से मीथेन का इमिशन का सोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस फील्ड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन। अब मीथेन बोले, कार्बन डाइऑक्साइड बोले, अब बोलेगा कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड क्या मतलब है, दोनों ग्रीन हाउस गैस है भैया, क्योंकि मीथेन को अगर मैं ऑक्सीडेशन करा दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या? मतलब क्या, ऑक्सीजन ऐड कर दूं मीथेन में मैं अगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, क्लियर है। डीप टिलेज करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होगा, कैसे होगा ध्यान देखो, डीप सॉइल में तो एक कार्बन ट्रैप हो गया था ना, अब हम ज्यादा अंदर तक उसको गाड़ेंगे, डीप टिलेज करेंगे, तो ये तो बाहर नहीं आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। दैट इज वाई वी डोंट प्रेफर डीप टिलेज। एग्रीकल्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि डीप टिलेज इसलिए नहीं करते हम लोग, इसलिए हम वी गो फॉर जीरो टिलेज आजकल काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है, ऑलराइट। ये सब देख लेना एक बार, कुछ खास चीज नहीं। एनिमल हस्बेंड्री, रूमिनेंट जो ये जो काउज जैसे एनिमल होते हैं, दे रिलीज मीथेन इन अ ह्यूज अमाउंट। सारा का सारा PYQ है आपका UPSC का, ठीक है। तो पूछते हैं मीथेन इमिशन सोर्स क्या है, राइस फील्ड, और क्या है डीप टिलेज, और क्या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, क्लियर है। रेस्पिरेशन से भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, दिस ऑल आर द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब नाइट्रोजन साइकिल में आ जाओ, गैसियस साइकिल है पक्का पता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, एग्जाम के लिए अपन इसको याद रखेंगे, ठीक है, ऑलराइट। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड AF एंड इट इज इंपॉर्टेंट AF, ठीक है, इसलिए इसको नाम छोड़ सकते हैं, ना ज्यादा दिमाग लगाना है, बीच बीच का ऊपर ऊपर से करके चलेंगे। देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझो कि नाइट्रोजन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इट्स वेरी सिक्योर बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड, तो इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। अब प्लांट इसको कंज्यूम करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बट ये इतना स्ट्रांग है कि इसको ब्रेक नहीं कर सकता, तो इट हैज टू बी गिवन इन सम अदर फॉर्म टू द प्लांट्स। तो होता क्या है कि दिस नाइट्रोजन हैज टू बी फिक्स्ड फर्स्ट, फिक्स करते हैं तब जाके इनको क्या करता है, प्लांट जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंज्यूमेबल फॉर्म बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते कैसे, हाउ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, तो पहला होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड हम करते हैं फर्टिलाइजर ऐड करके, पता है अपने को, डैप करते हैं डायमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, यूरिया देते हैं, राइट, ये सब हो गया। नेचुरल मेथड में क्या होता है आपका, थंडर लाइटनिंग, ये आपके PYQ में आया हुआ है, ठीक है। ये पूछ देगा आपसे कि कौन कौन से मेथड से नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, थंडर लाइटनिंग से आप लोग, थंडर लाइटनिंग से किस तरीके से फिक्स होता होगा यार, बट इससे भी होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये आपके नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। एंड नाइट्रेट में जाके फाइनली देखो क्या हो गया कि हेंस डू नॉट रिएक्ट प्योर नाइट्रोजन फॉर्म में, रिएक्ट व्हेन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, अमोनिया और नाइट्रेट्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डन बाई बैक्टीरियाज इन जनरल, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो प्रोसेस क्या होता है कि पहले N2 हैज टू बी कन्वर्टेड टू अमोनिया स्टेप वन में, स्टेप टू में क्या होता है, इस अमोनिया का कन्वर्टेशन होता है नाइट्राइट्स में, स्टेप थ्री में क्या होता है कि नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अब जो नाइट्रेट होता है इट इज फाइनली कंज्यूम्ड बाई द प्लांट, ठीक है,
प्लांट इसको फाइनली कंज्यूम करता है। तो प्लांट किसको कंज्यूम करता है? नाइट्रेट को कंज्यूम करता है। यहां तक क्लियर हो गया। स्टेप वन में क्या होता है, N2 से हमें अमोनिया में कन्वर्ट करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन डन बाय द नाइट्रोजन फिक्सर्स। तीन तरह के फिक्सर्स बैक्टीरिया होते हैं जो काम करते हैं। पहला आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, दूसरा सिम्बायोटिक वाले हैं, रूट नोडल्स लेग्यूमिनस प्लांट मतलब कि राइजोबियम हो गया, पी हो गया, ठीक है। तो ये सबको ध्यान रखना है, दिस आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जहां एग्जाम में आपके पी है। जिस लेग्यूम से मतलब क्या होता है, जिसके रूट्स में लेग्यूम्स हैं, ठीक है, लताड़े हैं, ठीक है, लेग्यूम्स हैं, देखा होगा पीज में होता है, राइट। तो वो नाइट्रोजन रूट के अंदर जाके नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं वो प्लांट्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, मिक्स्ड फार्म इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ताकि ये जो इन सबको ना हम एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ यूज करते हैं दूसरे दूसरे क्रॉप के साथ, ताकि दूसरे क्रॉप में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दें। नाइट्रोजन इज बेसिकली न्यूट्रिएंट, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, बट नाइट्रोजन तो वैसे ले नहीं सकता, तो इट हैज टू बी फिक्स्ड। तो कैसे फिक्स कर सकते हैं, सिम्बायोटिक वाला वाला प्लांट डाल दो, रूट नोडल वाला प्लांट डाल दो, लेग्यूमिनस प्लांट को पल्सेस पल्सेस को हम उगाते हैं जनरली हम दूसरे क्रॉप के साथ में, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, दीज आर ऑल्सो फाउंड इन ओशंस। ये नाम एक बार देख लेना, ठीक है, स्पाइरुलिना क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, नाम ध्यान रख लेना, ठीक है, टफ है बट ध्यान रखना। एरोबिक एनारोबिक ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये सब आपके क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेस, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्यों फिक्स करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं हो सकता प्लांट से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन क्यों कंज्यूम करना है, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रिएंट व्हिच प्लांट रिक्वायर्स। और जो आपका ये जो मैं बता दूंगा आपको कि यूरिया होता है, इसमें सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, आपका नाइट्रोजन भी तो है, जो आपका क्या कहते हैं ये आपका क्या कहते हैं यार, यूरिया में सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपका नाइट्रोजन ही तो है, राइट, ओके। आपका डैप है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम में क्या है, अमोनिया ही तो है, एंड यहाँ पे आपने अमोनिया देखा ही है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। अब देखो यहाँ पे पी के वैरायटी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एग्जाम में आए, सीधा मार्थेनेटिक। सी फूड अगर बोले, अमीनो एसिड प्रोटीन, अमीनो एसिड क्या होता है भाई, अमीनो एसिड क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोजन का ही तो बना हुआ होता है अमीनो एसिड प्रोटीन, आगे बात करें कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो एवरी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कंटेन आर द बायो फर्टिलाइजर। एग्जाम पूछेगा आपसे कि किसी भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, दे आर अ काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर इज एन एग्जाम्पल और द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ओके। स्टेप टू में, स्टेप वन में देखा क्या हुआ था कि नाइट्रोजन से अमोनिया बना था, अब स्टेप टू में क्या बनाना है अपने को, अमोनिया से नाइट्राइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया काम करते हैं, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस, ध्यान रख लेना बैक्टीरिया का नाम, बस और कुछ नहीं, ठीक है। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने ये नाम नहीं याद रखे थे, क्योंकि मैंने यहाँ शुरू में ही लिखा हुआ है कि इट इज कॉम्प्लिकेटेड एज फक एंड इंपॉर्टेंट एज फक, सो आई स्किप्ड इट, ठीक है, क्योंकि मैं इतना नहीं हो पा रहा था मेरे से, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है ना, आई स्किप्ड इट, आई टुक अ रिस्क, क्योंकि मैंने PYQ देखा कि अभी रिसेंटली तो नहीं आया है, तो आई जस्ट काइंड ऑफ टुक अ रिस्क। आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप रिस्क लो, अगर टाइम है तो आप इसको रट लेना, ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रोसेस इज नाइट्राइड से नाइट्रेट, और ये फाइनल जाके प्लांट हमारा क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, राइट। तो नाइट्रोबैक्टर करता है काम, नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड फॉर्म्स अमीनो एसिड। नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन ने देखा ना अमीनो एसिड वाला, ये वाला सी फूड अमीनो एसिड होता है, कैसे होता है ध्यान देखो। अब प्लांट ये जो नाइट्रेट को अब्जॉर्ब जो प्लांट करेगा, ठीक है, तो अब प्लांट क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। अब इस अमीनो एसिड इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड प्रोटीन से फिर क्या बनता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में चाहिए होता है, दैट्स वाई हम क्या करें, लेग्यूमिनस प्लांट में ज्यादा प्रोटीन होता है, आपने पढ़ा होगा, कहते हैं ना चना खाओ, पीस खाओ, दाल खाओ, क्यों, दाल में ज्यादा प्रोटीन क्यों होता है, क्योंकि देयर नाइट्रोजन फिक्सेस, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। देखो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो चूंकि मैंने बात करा कि इट्स अ साइकिल, साइकिल का मतलब है कि जो आया व्हाट विल कम अराउंड दैट विल गो अराउंड। तो अगर एटमॉस्फेयर से मेरे को नाइट्रेट मैंने कन्वर्ट किया है, दिस नाइट्रेट हैज टू बी कन्वर्टेड वापस टू द एटमॉस्फेयर को देना है, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा। तो जब मैंने N2 से स्टार्ट किया है, N2 से मैं अमोनिया पे, अमोनिया से नाइट्रेट पे आया, तो नाइट्रेट से वापस जब N2 पे जाऊंगा, इस प्रोसेस को मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा था, लेकिन जब वापस जाऊंगा एक साइकिल पूरा करने के लिए, तो इस प्रोसेस जब को जब वापस जाऊंगा, इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, देखो हर स्टेज में बैक्टीरिया का रोल है, और नाम आपको याद रखना पड़ेगा बैक्टीरिया का, ठीक है। अब देखो प्रोसेस समझते हैं, हो क्या रहा है कि एनिमल है, एनिमल मरते हैं, मरने के बाद डिकम्पोज होते हैं, तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये अमोनिया जो होता है ये नाइट्राइट में पहले कन्वर्ट होगा, ठीक है,
और नाइट्राइट से नाइट्रेट में फाइनली कन्वर्ट होगा। अब ये जो नाइट्रेट होगा जो सॉइल के अंदर में होगा, इसको प्लांट फाइनली जाके कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, यहां तक एक स्टेप हुआ। अब ये अमोनियम से अमोनिया नाइट्रेट तक का जो सफर है, इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इस नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में एग्जाम में आपसे पूछेगा कि विच गैस इज रिलीज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा बोलोगे? N2O। एंड N2O माय फ्रेंड्स, इफ आई टेल यू, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, याद रखना। पोल्यूशन में पढ़ाऊंगा मैं, बट फिर भी इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब देखो, अब ये नाइट्रेट हुआ, उधार है हमारा, एटमोसफेयर में वापस देना है, तो क्या करेंगे? वापस कन्वर्ट करेंगे किसमें? N2 में करेंगे। एटमोसफेयर में N2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डी नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रेट से N2 में कन्वर्ट हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन। अगेन इस प्रोसेस में भी एक गैस रिलीज होगी जिसको बोलेंगे N2O। दोनों में सेम गैस रिलीज हो रही है, N2O। एग्जाम में पूछेगा कि नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन कौन सी गैस रिलीज होती है? N2O। कन्फ्यूज करेंगे, दोनों में अलग अलग गैस रिलीज होती है? नहीं, दोनों में सेम गैस रिलीज होती है, N2O ही रिलीज होती है। ठीक है, बोल रहे। तो सफर यहां तक रहा था यार कि एनिमल था, मर गया, डिकम्पोज हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया से नाइट्रेट तक हम लोग गए, नाइट्रेट से निकल के भैया एटमोसफेयर में चला गया। अब ये प्लांट को, जब प्लांट ने फिर क्या करा, इस नाइट्रेट को बताया था मैंने अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा प्लांट। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट करा, इसको एनिमल ने खाया। अब एनिमल के अंदर अमीनो एसिड है, ठीक है, अगेन देख रहे हो नाइट्रोजन हर जगह ट्रांसफर हो रहा है। अब ये एनिमल मरेगा तो जो अमीनो एसिड है वो अमोनियम में कन्वर्ट होगा। तो डू थिंक इट्स अ साइकिल, दिस इज व्हाट वी कॉल इज नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर है, बैक्टीरिया का नाम एक बार देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं सेडिमेंटरी साइकिल। गैसेस में दो पढ़ लिया हमने, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। अब सेडिमेंटरी साइकिल मतलब जो है, जो लेस एफिशिएंट है, जिसका रिजर्वर क्या था, इसका रिजर्वर क्या है? लिथोस्फेयर है। ठीक है, अब इसमें सल्फर है और फॉस्फोरस है। सल्फर वाला क्या होता है? लेस एफिशिएंट होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि सेडिमेंटरी साइकिल है, पहली चीज। सल्फर का सोर्स क्या होगा? ऑर्गेनिक डिपॉजिट, कोल, फॉसिल फ्यूल, इससे सल्फर का सोर्स होगा। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट क्या होगा? सल्फेट, सल्फाइड, सेडिमेंटरी रॉक में जो ट्रैप्ड होगा वो होगा। अब क्या होगा कि मान लो कि जो रॉक में ट्रैप्ड, ड्रिलिंग वगैरह करोगे तो रिलीज हो जाएगा। कोल को अगर बर्न करोगे तो सल्फर रिलीज होगा, एक तरीका यह है। दूसरा क्या है कि वेदरिंग और इरोजन के रन ऑफ से फाइनली जाके ये आपका सल्फर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज अ सल्फर साइकिल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि सेडिमेंटरी साइकिल है, इट इज लेस एफिशिएंट, और सोर्स क्या क्या है इसका? लिथोस्फेयर का रिजर्वर है। ओके, फॉस्फोरस साइकिल अगेन सेडिमेंटरी है, लेस एफिशिएंट होगा, बिल्कुल। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर में क्या होता है, जैसे रॉक फॉस्फोरस हो गया। अब क्या होगा, इसका वेदरिंग होगा, वेदरिंग होकर रिवर में जाएगा, रिवर से ओशन में पहुंचेगा, ओशन में मान लो डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट होकर एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया। अब आफ्टर मिलियन और बिलियन ऑफ ईयर्स क्या होगा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा? अपराइज हो जाएगा, एंड फिर अगेन ये रॉक पत्थर बन के वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये पत्थर से वेदरिंग होगा, वेदरिंग होकर ये सॉइल जाएगा, सॉइल से प्लांट में जाएगा, प्लांट से एनिमल में जाएगा, एनिमल मर जाएंगे, फिर एनिमल डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर फिर से वो सॉइल के बन के ऊपर आता जाएगा, एंड फिर वेदरिंग होगा, ये पूरा का पूरा साइकिल जो आपका कंटिन्यू चलेगा, फॉस्फोरस साइकिल। एग्जाम्पल क्या इंपॉर्टेंट है कि एक्वेटिक में होता है, सोर्स फॉस्फेट रॉक्स है, वेदरिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एंड इट इज अ सेडिमेंटरी साइकिल विच इज लेस एफिशिएंट। क्लियर है, PYQ इस पे आया हुआ है। ठीक है, 2021 में आया था शायद, ठीक है, 2022 में आया था शायद। समरी देखो, क्विक एक्टिव रिकॉल किस तरीके से इसको अपन करेंगे ये एक बार देख लेना। ठीक है, जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना है, इसको यूज करके आपको पूरा रिवाइज करना है। एक बार पहले रिवाइज कर लेना, फिर इसको यूज करके मल्टीपल रिवीजन करना। कैसे करेंगे दिखा देता हूं मैं आपको, बहुत फास्ट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशी, देखा था हमने, स्पीशी से बना था पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बनी कम्युनिटी। स्पीशी में क्या हुआ, सेम स्पीशी ने बनकर मिलाया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत सारे मिलकर बना दिया कम्युनिटी। क्लियर था, ये अपन बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे टॉपिक। एनर्जी का फ्लो देखा था, लिडमैन लॉ देखा कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी वेस्ट हो जाती है। एनर्जी हमेशा यूनिट डायरेक्शनल होती है, अगर डियर को खाया है लाइन ने तो लाइन की एनर्जी वापस डियर में नहीं आएगी। सैप्रोफाइट्स देखा हमने कि वायरस, एल्गी, सैप्रोफाइट्स नहीं, सैप्रोफाइट्स होते क्या है? डिकम्पोजर्स होते हैं। एनर्जी का फ्लो देख लिया हमने। इकोटोन देखा, ठीक है, इकोटोन क्या देखा था हमने यार, कि दो इकोसिस्टम के बीच का होता है, एज इफेक्ट होता है, यहाँ ज्यादा स्पीशी देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है इसकी, इसमें कुछ स्पीशी ऐसी भी मिल सकती है जो बाकी दोनों इकोसिस्टम में ना हो। एग्जांपल क्या था, ग्रासलैंड इकोसिस्टम था। एग्जांपल क्या था इसका, सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम था, मैंग्रोव था, एस्ट्रेसा कोरल था, इकोटोन हो गया। देख रहे हो कैसे रिवाइज कर रहे हैं। नीश, नीश हैबिटेट में क्या डिफरेंस था, हैबिटेट आपका घर है, नीश आपका जॉब है। नो टू एनिमल स्पीशी कैन हैव द सेम नीश। ठीक है, एनवायरमेंट हैबिटेट में क्या डिफरेंट है, एनवायरमेंट में आपके के नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, हैबिटेट में सिर्फ लिविंग होता है। इक्वल सेक्शन देख लिया था हमने। ठीक है, प्रोग्रेसिव होता है, हमेशा आगे बढ़ेगा, ग्रास से आगे जाएगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, हमेशा आगे बढ़ेगा, लाइफ स्पैन हमेशा कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा होगी, ऐसे देखो ना, प्रोग्रेसिव होगा, बिल्कुल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, यस होगा, लाइफ स्पैन किसकी ज्यादा होगी, पायनियर की होगी, सेरल की होगी, कॉम्प्लेक्स की होगी, कॉम्प्लेक्स की होगी। ठीक है, क्लाइमेक्स स्पीशी की होगी, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा किसकी होगी, क्लाइमेक्स की होगी। ये आपका ऑर्डर चलेगा,
ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन, फास्टर कौन होता है, सेकेंडरी फास्टर होगा, प्राइमरी में टाइम लगेगा कि सबसे पहले इसको काम करना है, समझ लो कैसे रिकॉल करें, एक्टिव रिकॉल इसको बोलते हैं, बिना देखे हुए करना। फूड चेन देखो, फूड चेन क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी करता है, यहाँ से एनर्जी 10% हमेशा इंक्रीज होती है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ये ट्रॉफिक लेवल इस तरह से कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग, ठीक है। फूड चेन है, डिटैच फूड चेन में ज्यादा एनर्जी होगी आपकी, क्योंकि सबको मृत्यु को प्राप्त होना है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में अब देखो यहाँ पिरामिड देखो, पिरामिड क्या होता है, इन्वर्टेड भी होता है अपराइट भी होता है, सब हमेशा अपराइट किसका होगा, एनर्जी का होगा, हमेशा इन्वर्टेड अपराइट दोनों किसका होगा, नंबर्स का होगा, नंबर्स में ट्री का अप इन्वर्टेड होगा, बाकी सबका अपराइट होगा। अगर हम बायोमास के बारे में बात करेंगे तो एक्वेटिक में शार्क वाले केस में हम देखा था हमने कि यहाँ पे शार्क वाले केस में क्या था, इन्वर्टेड था, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेटोसाइक्लिन में क्या देखा था कि इफिशियंट कौन है, फास्टर कौन है, गैसियस फास्टर है, सेडिमेंटरी इफिशियंट कम है। रिजर्वर किसका है, लिथोस्फेयर किसका रिजर्वर था, बताओ बताओ किसका था, सल्फर का था और फास्फोरस का था, एटमोसफेयर किसका था, कार्बन का था और नाइट्रोजन का था, ठीक है, क्लियर हो गया, बस यहाँ तक ये देखना था। दिस इज ऑल अबाउट योर इको सिस्टम, इसमें आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू एवरीथिंग दैट आई कुड, एंड ट्रस्ट मी इस लेवल का कॉन्टेंट और इतना रिलेवेंट आपको, सच में मुझे तो बहुत साल लग गए इसको कंप्लीट करने में, मैंने अपने पूरे बहुत सालों का नॉलेज आपको ट्राई किया है मैंने आपको देने का, मल्टीपल फैकल्टी मल्टीपल नोट्स मल्टीपल बुक्स से मैंने इस नोट्स को कंपाइल करा हुआ है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज से किया हुआ है, ओवर द मल्टीपल ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, 2023 में, 2022 में, 2021 में, तीन अटेम्प्ट दिया मैंने, तीनों मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है इसको यूज़ करके, सो आई होप आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग इन योर प्रिपरेशन, एंड आई इफ आई डिड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू ज्वाइन अस, एंड वहाँ नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना नोट्स को, ऑल राइट। सो विद दिस आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑफ बायोडाइवर्सिटी कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है, तो उसमें हम लोग मिलते हैं, विल टॉक अबाउट एवरी थिंग एल्स, एंड इको सिस्टम इज फिनिश्ड हेयर, इसको बस रिवाइज करना एंड एंड टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।